Okay, and what has been the nature of questions? Because I haven't seen Odisha PSC paper. Year they have changed, like the coming state PSC, it will be exactly the same as UPSC. UPSC. So that is 250. Till last year, it was 200 for 2 years. 200 for two essays. Okay, and then there are like four choices in section A, four choices in section B. Okay. And what has been the kind of question, like are they asking direct questions कि यूपीएससी जैसे पागल हो गए कि लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल एसेज एंड ऑल नॉट देयर इन ओडिशा पीएससी. अच्छा दे वे. अच्छा ओके. बिकॉज सी लाइक बिफोर गेटिंग इन टू एसे लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. Writing essay will not come in a day or a night. Like if you think that I'll take classes and now you will be a good essayist. No, this won't happen. Because essay writing is a gradual process. Okay. I'm assuming you're starting your preparation now only. You're a fresh batch. You'll be taking attempt in 2025. Baki general 4-5 ke around hai. ठीक है. वॉट इज द ऑप्शनल हियर, लाइक क्या ऑप्शन क्या है आपके? सोशियोलॉजी, सबका सोशियोलॉजी है, पी एस आई आर भी है. सो सी टू ऑप्शनल, पी एस आई आर एंड सोशियोलॉजी हेल्प इमेंसली इन योर एसे प्रिपरेशन. बिकॉज वही सब थिंकर्स हैं, वही सब थॉट्स आपको लिखने हैं. इट हेल्प द लॉट. द थिंग इज यू शुड नो हाउ टू केटर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसे फ्रॉम योर ऑप्शनल पेपर. फर्स्टली, सेकेंडली, जस्ट ऑन अ वेरी लाइट नोट, व्हाई डू यू थिंक यूपीएससी हैज अ 250 मार्कर एसे पेपर डिस्पाइट हैविंग फोर जीएस पेपर्स, एथिक्स, एवरीथिंग इज देयर, बट देन व्हाई दे वांट यू टू राइट एन एसे? Why they want a future bureaucrat to write an essay? Like, just give me a very logical answer, yeah, whatever you feel like. Okay, multidimensionality. Okay, but are they testing only your analytical skills? क्योंकि उसके लिए तो सी सेट हो गया, जिस जो किसी का नहीं हुआ. सी सेट इज रियली टफ दीज डेज. बट देन वॉट, लाइक आई मीन जीएस पेपर्स केटर्स टू योर फैक्चुअल एनालिसिस, एवरीथिंग इज देयर. फैक्ट फैक्ट बहुत होता है जीएस पेपर में. देन व्हाई एन एसे पेपर? अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू. अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जैक्टली. आप बताइए. ओके. सी लाइक आई एम गेटिंग व्हाट यू वांट टू कन्वे. फैक्ट का एसे इज नॉट अ टेस्ट ऑफ फैक्ट. ओके, यूपीएससी हैज ऑलरेडी चेक योर फैक्ट्स इन योर प्रीलिम्स, देन देयर इज अ जीएस पेपर. इट इज नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड क्लबिंग एसे पेपर विद जीएस. जनरली कोचिंग्स हैव स्टार्टेड टू डू दैट. बट एसे इज अपार्ट फ्रॉम योर जनरल स्टडीज पेपर, बी इट 1, 2, 3 एंड 4. ओके, एसे इज ऑल अबाउट वॉट यू एक्सप्रेस, हाउ यू थिंक. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ एसे राइटिंग इज इट कैन, इट कुड बी एनी थिंग. आई मीन यू आर नॉट बाउंड कि आपको इतने इतने सिलेबस में लिखना है, आपको इतने इतने टॉपिक्स में लिखना है. एंड दैट इज द रीजन इन लास्ट 2, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, एंड स्पेशली इन लास्ट 2 ईयर्स, मैक्सिमम एसेज आर फिलोसॉफिकल एसेज. ओके, देयर इज अ ट्रेंड एनालिसिस. लाइक हम जब 2012-13 तक की बात करते हैं, देयर वॉज अ गुड बैलेंस ऑफ योर फैक्चुअल एसेज. लाइक साइंस पूछ लिया, एनवायरमेंट पूछ लिया, 1-2 एसेज ऑन फिलोसफी और सम जनरल स्टेटमेंट. बट फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स दे हैव इंक्रीज्ड द एब्स्ट्रैक्ट एसेज. ओके, एंड इन लास्ट ईयर, लास्ट 2 ईयर्स, इट्स दी एब्स्ट्रैक्ट एसेज ओनली. लाइक आउट ऑफ 8, 6 टॉपिक्स आर एब्स्ट्रैक्ट. हाँ, देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्टनेस. कि भाई एक स्टेटमेंट है वो बहुत ईजली हो जाएगा, मतलब लाइक
मेक द हे वाइल द सन शाइन्स, एक टॉप एक ऐसे आया था. दिस इज अ वेरी डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट है, बट आपको डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में. टेक अनदर टॉपिक. डिसइंटरेस्टेड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इज द लाइफ ब्लड ऑफ रियल सिविलाइजेशन. ये अनदर लेवल का वो है एब्स्ट्रैक्टनेस. फिर लास्ट ईयर क्या आया, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल. ये पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ते हैं ये स्टेटमेंट, सोशियोलॉजी में नहीं है ये स्टेटमेंट. ओके, सो दे आर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्टनेस. डू यू नो व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट? टेक अ गेस. हाँ, आइडिया, बट उसका एक हिंदी वर्ड है मतलब, एंड दैट वर्ड विल डिस्क्राइब एवरीथिंग. हिंदी वर्ड इज, नेक्स्ट पेज कैसे जाता है? आई एम प्रेसिंग इट ओनली. अच्छा, प्लस. ओके, देखो हिंदी का वर्ड है इसका. आई होप यू आर कंफर्टेबल विथ हिंदी. आई होप मैंने हिंदी सही लिखी हूं. निमूत. ओके, लाइक समथिंग विच डज नॉट हैव बॉडी ऑफ इट्स ओन. ओके, so philosophical or abstract essays are in those direction only, they don't have body. ab jis cheez ki body nahi hai, how are we expecting to write about it? theek hai, there are, if we talk about factual essays or anything that has got a body, it's very easy to describe that particular thing and write on that. for example, if we are writing that India is leading the talks on environment, aisa maan lo ek essay aaya, ya India shows the way in the environmental negotiations. ये मान लो ऐसे का टॉपिक हुआ. You know a lot about it. You know about India. You know about what talks are going on around environment and how India is leading about that. We have a lot of facts around that. This is very easy to start with and end with. But अगर वही question अगर last year ये आया कि the best time you spend is around trees. Okay, this is the essay UPSC gave last year. देखा किसी ने पेपर देखा था? इस पे क्या सोचोगे आप, क्या लिखोगे आप? मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं लिख सकते. यू हैव टू इवेंचुअली राइट. दिस इज अ 250 मार्कर थिंग. एंड बिलीव मी, एसे, एथिक्स एंड योर इंटरव्यूज, दे कैन मेक और ब्रेक योर रैंक. ठीक है, सब जीएस एक तरफ, बाकी सारी चीजें एक तरफ, बट दिस 250 मार्कर्स आर रियली इजी टू गेट इनटू योर किटी बिकॉज. बट देन अगेन, ऐसा नहीं होगा कि आप रात में चार कोट्स याद किए और नेक्स्ट दिन जाके उसको लिख दिया. दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अस अराउंड डू इट रिगार्डिंग ऐसे. एक दिन पहले चार कोट्स याद किए, जबरदस्ती उसको घुसा दिया जाके कि बस कोट्स लिख के आए हैं, एग्जामिनर विल बी वेरी सेटिस्फाइड एंड वी विल बी अमेज्ड विथ अवर राइटिंग स्किल्स. नो, थिंग्स डोंट हैपन दैट वे. इट विल बी अ प्रोसेस. इंटीग्रेट इट विथ योर जीएस, इंटीग्रेट इट विथ योर ऑप्शनल. नाउ सिंस योर ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, फिर आपका क्या बताऊं मैं. डू यू रीड? देन बैंक ऑन योर रीडिंग, बट ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर रीडिंग. ओके, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ एसे. एक हिंदू आप पढ़ते हो, आई विल टेल यू हाउ टू यूज हिंदू टू राइट एसेज. ठीक है, जैसे 10 डेज बैक देयर वाज अ राइटअप बाय स्टैनले जॉनी. ओके, ही वाज राइटिंग ऑन रशिया. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रेड दैट आर्टिकल और नॉट. Basically, the conclusion was the Ukrainian war is now a war of prestige for Putin. It will basically decide the image of Putin. But starting में उन्होंने कहानी share की थी. ठीक है, क्या कहानी share की थी? That there was used to be a very famous hotel in Russia. Okay, उस hotel का architecture ऐसा था कि they were the same two hotels अगल बगल में. बट दो बनाए क्यों? काम तो एक से हो सकता था. ठीक है, बट द थिंग वॉज द आर्किटेक्ट व्हेन ही डिजाइन दैट होटल, ही गेव टू ब्लूप्रिंट्स टू स्टालिन. ओके, एंड ही आस्क फॉर हिम टू अप्रूव इट. अब वो स्टालिन ने दोनों ब्लूप्रिंट्स के बीच में साइन कर दिया. ही डिड नॉट मेक वेरी सक्सेंट कि भाई कौन सा डिजाइन चाहिए. आर्किटेक्ट थॉट, इफ आई अगेन आस्क स्टालिन दैट विच वन ऑफ टू आई हैव टू गो विथ, कहीं मेरे को डेथ सेंटेंस ना मिल जाए. तो ही मेड बोथ द बिल्डिंग्स अगल बगल में, एंड दे वेयर दोज बिल्डिंग वेयर दी व्हाट सिंबल ऑफ
कम्युनिज्म इन रशिया, ठीक है। अब इस स्टोरी को कहां यूज कर सकते हो आप? लाइक दिस स्टोरी कैन बी यूज्ड वेरी इजीली, इट कैन बी यूज्ड, एंड दिस वाज इन हिंदू, यू डोंट हैव टू डिग डीप इनटू सम नॉवेल, सम बुक और समथिंग एल्स टू मेक योर टूल्स फॉर एसे राइटिंग। आप बताओ ये स्टोरी कहां कहां यूज कर सकते हो, जस्ट गिव मी अ हिंट, मतलब जो दिमाग में आ रहा है आप लोग बताओ। I told you Putin, I told you Russia, I told you he was afraid that his life might be at threat if he asks where to use these two blueprints exactly. तो बताइए कहाँ use कर सकते हो आप ये? हैं? Authoritarianism. Okay, perfect. What is the opposite of authoritarianism? Republican. Okay, Republican का बहुत ज़्यादा मास टर्म क्या होगा जो हमको समझ में आए, आपको समझ में आए? डेमोक्रेसी। मान लो अगर क्वेश्चन आया डेमोक्रेसी पे, तो कैन यू स्टार्ट दिस विद दिस एसे विद दिस स्टोरी कि हाउ डेमोक्रेसी इज अबाउट व्हाट बीइंग डिफरेंट, आस्किंग क्वेश्चंस, मेकिंग योर गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल, दिस इज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वी टॉक अबाउट। लेकिन आपने स्टार्ट कहां से किया? रशिया की एक स्टोरी से, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड। सो इज इन दिस अ वेरी वाओ ओपनिंग फॉर योर एसे? आपने अगर ये लिख दिया तो एग्जामिनर वहीं फिदा हो जाएगा आपके, बिकॉज ही नोज सब। बाकी क्या लिख रहे होंगे? वेरी कॉमन डेफिनेशन, व्हाट इज डेमोक्रेसी? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसके बियॉन्ड कभी सोचा नहीं, क्यों? मॉरल साइंस की बुक में कभी पढ़ा नहीं। ओके, बट यू हैव टू पिक ऑल दीज स्टोरीज, ऑल दीज एनेक्डोट्स फ्रॉम योर From newspaper itself. I won't be telling you multiple sources and all. ठीक है? Since you read books, what kind of books you read? Like the latest you have been reading. What is the non-fictional one you have read recently? The Wings of Fire. Okay. And fiction में क्या पढ़ते हो आप? Fine Balance. किसकी है ये? अच्छा, इट्स अ फिक्शनल ना, मिस्ट्री राइट्स फिक्शन। कैन यू पिक सम स्टोरीज फ्रॉम देयर फॉर योर एसे? है ना, दे आर मेनी, सो कीप राइटिंग। आप एक डायरी रखेंगे, टू थिंग्स आई एम सजेस्टिंग यू, वेरी मिनिमल यू कैन डू इट, कीप अ डायरी, बट दैट डायरी वोंट बी ओनली फॉर एसे, दैट डायरी वुड बी फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है यूपीएससी में? 275, एथिक्स 250 मार्क्स, एंड योर एसे। ये तीनों चीज आपकी एक डायरी में होनी चाहिए। नाउ सोर्सेस क्या हो सकते हैं? डू यू रीड इंडियन एक्सप्रेस? एनीबडी रीड्स इंडियन एक्सप्रेस हियर? उसमें डेली एक कोट आते हैं, वर्ल्डली वाइज आता है, वो लिखना चालू करिए एक जगह। ओके, आई एम नॉट सेइंग मक देम अप, जस्ट राइट इट। सब कॉन्शियसली वो कहीं ना कहीं बैठेगा आपके दिमाग में व्हेन यू राइट थिंग्स। सेकेंड सोर्सेज, टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पीकिंग ट्री कितनों में पढ़ा है? कभी हैव यू कम अक्रॉस स्पीकिंग ट्री? पढ़ा है कि सुना है, क्या किया है? उन्होंने एक बुक भी निकाली है स्पीकिंग ट्री पे। ओके, सो ट्राई टू रीड दैट ऑन अ डेली बेसिस, डेली आता है वो। हाँ, नॉट एवरी स्पीकिंग ट्री इज वर्थ मेंशनिंग और वर्थ राइटिंग अबाउट इट। वो आप उस, अब ऐसा नहीं है कि परेशान हो गए स्पीकिंग ट्री डेली लिख रहे हैं पूरा पूरा एज इट इज। नो, जस्ट राइट इन योर ओन वर्ड। इफ यू आर एबल टू फाइंड सर्टेन टर्म्स फ्रॉम देयर, सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम देयर, प्लीज जॉट इट डाउन इन योर डायरी। क्यों बता रहा हूं ये एथिक्स में भी बहुत हेल्पफुल होता है, जब आपको एग्जांपल्स देने होते हैं फ्रॉम रियल लाइफ, फ्रॉम वेदास, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, फ्रॉम एनीवेयर, तो आपको वो बहुत हैंडी आएंगे। ठीक है, थर्ड, आपको सिलेबस याद होना चाहिए एथिक्स का और अपने जीएस दोनों का। ठीक है, व्हेन यू नो द सिलेबस, यू कैन प्ले विद द वर्ड्स दैट हैव बीन मेंशनड इन योर सिलेबस व्हाइल राइटिंग अ गुड एसे। ठीक, दो तीन चीजें आप लोग करेंगे, ये इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना। हिंदू कैसे यूज करना है आज का पेपर मैं डाउनलोड करके पढ़ लूंगा, टुमारो आई लेट यू नो हाउ टू पिक थिंग्स फॉर एसे एंड एथिक्स फ्रॉम हिंदू पेपर। ओके, हिंदू पढ़ते हैं सर? हिंदू ही पढ़ते हैं ना? ओके, सो वील पिक दोज थिंग्स फ्रॉम देयर। ओके, सो इन वन, लाइक इन दीज टू थ्री क्लासेस वी विल, यू विल गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, इंटरव्यू एंड एसे पेपर। इंटरव्यू भी यहीं से सब होता है, बिकॉज इन इंटरव्यू दे जनरली आस्क व्हाट इज योर पर्सनैलिटी, व्हाट इज योर व्यू अराउंड इट, they are not asking facts. ये कभी नहीं पूछेंगे कि भाई 2+2=4 क्या है, क्यों है। They'll always ask the philosophy behind it. ठीक है, तो इस तैयारी से it will be helpful if you keep a diary. Start
start picking examples. Okay, so now coming on to essay part again. ऐसे में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके यूपीएससी में आते हैं, दे बेसिकली वेरी क्लियरली से दैट योर एसे शुड बी व्हाट, इट शुड हैव अ लॉजिकल फ्लो. ठीक है, ऐसे उत्पटांग नहीं लिखना है कि भाई यहां कुछ स्टार्ट किया. इट शुड नॉट बी अ डेली सोप ऑपेरा, इंडियन टीवी सीरियल्स का. एक दिन कुछ हो रहा होता है, फिर अगले दिन देख के एक्ट्रेसेस, थर्ड दिन सर्जरी हो जाती है, फोर्थ डे नई एंट्री हो जाती है. यू डोंट हैव टू डू दैट थिंग. ठीक है, इट शुड बी अ लॉजिकल फ्लो ऑफ योर थॉट्स. ठीक है, लॉजिकल फ्लो ऑफ थॉट्स का मतलब क्या है? यू कैन यूज लॉट ऑफ कनेक्टर्स. कनेक्टर्स क्या होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? इफ आई एम सेइंग दैट देयर शुड बी अ लॉजिकल फ्लो, यू शुड यूज कनेक्टर्स. व्हाट आर द कनेक्टर्स इन एनी लैंग्वेज? आपकी उड़िया में भी होंगे कनेक्टर्स. कनेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे हेंस फोर्थ, देयर फोर. ठीक है, क्या जी? हाउ एवर, ये सब कनेक्टर्स हैं. व्हेन यू मूव फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ, ये बहुत क्लियरली होना चाहिए आपके ऐसे में. व्हाट डज इट शो? दैट यू हैव प्लान्ड समथिंग इन योर माइंड. आप ऐसे हैफजार्ड नहीं लिख रहे हो कि कहीं भी बंद किया, कहीं भी चालू किया. ओके, सो कनेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऐसे. ओके, ये दो तीन चीजें आप बिल्कुल याद रखो. व्हाट इज द वेटेज ऑफ लैंग्वेज इन ऐसे? लाइक डू यू नीड वेरी हाई फाई इंग्लिश इन वाइल राइटिंग एन ऐसे? नो, सर्टेनली नॉट. वेरी प्लेन इंग्लिश, बट डोंट डू ग्रामेटिकल एरर्स, डोंट डू स्पेलिंग मिस्टेक्स. यू शुड नो योर पंक्चुअल मार्क्स. ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स, कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कोलन लगाना है, कहाँ सेमी कोलन लगाना है. आर यू गाइज कंफर्टेबल विथ योर पंक्चुएशन मार्क्स एंड ऑल? हैं आप लोग कंफर्टेबल? नहीं होंगे तो प्लीज रिविजिट योर रेन एंड मार्टिन. इतना आप लोग करके आओगे, ये एक होमवर्क है आपका. ठीक है, बिकॉज एसे इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन. ठीक है, मान लो एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं और लगाना था, आपने लगा दिया कहीं और. ठीक है, जैसे ये जोक्स भी बनते हैं कि राम्स मदर इज डेड. ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगाना था, तुमने कहीं और लगा दिया, तो इट विल कन्वे द मैसेज दैट राम इज हैप्पी अबाउट इट डिस्पाइट एंड नॉट सैड अबाउट इट. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंस है. थर्डली पंक्चुएशन मार्क्स वाला हो गया, कनेक्टर्स वाली बातें हो गई. फोर्थली ऐसे में आपको बहुत ज्यादा जागनाइज नहीं करना है कि आप बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो या बहुत डिफिकल्ट लेवल पे समझा रहे हो. नहीं, व्हाट इज एन ऐसे? ऐसे इज व्हाट यू वांट टू कन्वे. इफ द अदर पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू राइट, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट ऐसे? ठीक है, तो डोंट अननेसेसरी यूज जागन्स, डोंट अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स योर ऐसे, इट वॉन्ट लीड यू एनीवेयर. ठीक है, फिर कितने वर्ड्स चाहिए यूपीएससी में ऐसे के लिए? 1200 के अराउंड. ठीक है, 1000 टू 1200 कुछ बोलता है. ये बहुत ज्यादा होता है 1200? आई एम जस्ट आस्किंग, लाइक इज इट टू मच और इज इट टू लेस? मेरे लिए बहुत लेस हो चुका है, पहले टू मच होता था. वेल, आई यूज टू राइट ऐसे, टेक यूपीएससी. ठीक है, नाउ यू शुड नो कि एक यूपीएससी की शीट में व्हेन यू राइट आंसर्स, आपका एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं, ये सबका अलग अलग होगा, ये डिफर करेगा. आपकी एक एक्सरसाइज क्या है, जाकर के चेक करना कि एक पेज में आप कितने वर्ड्स लिख रहे हो. ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि पर लाइन में 7 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, 6-7 एक पेज में. आई एम अज्यूमिंग यू आर राइटिंग समवॉट 100 वर्ड्स. ठीक, यही रखना आप लोग. बहुत ज्यादा छोटा छोटा नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं लिखना है. ठीक है, 100 पेजेस अ वर्ड, इट कम्स अबाउट टू 10 टू 12 पेजेस इन योर एसे. ठीक है, तो ये एक ब्रॉड सेट मांग के रखो, तो आप बार बार परेशान नहीं होगे एग्जाम हॉल में, लाइक एवरी नाउ एंड देन यू कीप काउंटिंग द वर्ड्स. ये सब नहीं करना है, यू विल एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम. ओके, नेक्स्ट थिंग, जब भी आप एसे लिखें, आपको रफ वर्क मिलता है यूपीएससी की शीट में. ठीक है, सो एसे इज ऑल अबाउट, पहले आपने मान लीजिए 3 आवर का पेपर है, आपको 2 एसे लिखने हैं. ठीक है, आप फर्स्ट 1 आवर जो है आप लगाइए सोचने में ही लगाइए, बिल्कुल. ठीक है, यू टेक 1 आवर टाइम. कई लोग 1.5 घंटे भी लेते हैं, बिकॉज देयर राइटिंग स्पीड इज वेरी फास्ट. आई वोंट सजेस्ट 1.5 आवर्स, बिकॉज अगर नहीं लिख पाए तो क्या. ठीक है, सो जस्ट बी ऑन अ सेफर साइड. 1 आवर में 30 मिनट्स आप टॉपिक 1 पे लगाइए, 30 मिनट्स टॉपिक 2 पे लगाइए. ठीक, अब
जब ये कर लिया आपने, और रफ वर्क में ये नहीं करना है कि लिखने ही बैठ गए पूरा, कि अरे रफ वर्क में ही सब अच्छे से लिखना है, जस्ट डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग देयर। आई विल टेल यू हाउ टू ब्रेन स्टॉर्म, उस पर हम आएंगे अभी। बट ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो जब आप, यू विल कीप कमिंग विथ लॉट ऑफ टर्म्स, लॉट ऑफ स्टोरीज, लॉट ऑफ कोट्स, वो सब लिखते जाओ जल्दी जल्दी। सुंदर राइटिंग में नहीं लिखना है, जो आपको लेजिबल हो उस राइटिंग में लिखना है। ओके, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, जस्ट वॉट एवर थॉट्स आर कमिंग टू योर माइंड, जस्ट कीप राइटिंग देम। जब आप फाइनल आंसर फेयर ऐसे लिखोगे अपना, तब नया कुछ मत सोचना प्लीज, ठीक है? पिक फ्रॉम देयर ओनली, क्या सोचा था हमने 30 मिनट्स के लिए। हाँ, अब जब आप लिख रहे हो, देन यू कैन ऑलवेज मेक इट बिट मोर प्रेजेंटेबल। उस समय आप थोड़ा इफ एंड बट लगाते हुए उसको ज्यादा फेयर कर सकते हो, बट बिल्ड योर एसे अराउंड दोज टॉपिक्स, दोज पॉइंट्स ओनली, क्योंकि नया सोचने जाओगे तो यू एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। ओके, डजंट मेक सेंस एट ऑल। ओके, तो ये बहुत मिनिमम डूज एंड डोंट्स हैं, बाकी ऐसे के कोई डूज एंड डोंट्स होते नहीं, क्योंकि ऐसे इज ऑल अबाउट वॉट यू थिंक अबाउट अ टॉपिक, तो उसके कोई रूल्स भी नहीं हो सकते। रूल्स हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे में, क्योंकि उसमें वही लिखोगे, यू विल डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या है, प्रोज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो कोई भी लिख सकता है। बट वेन यू आर अटेम्प्टिंग अ फिलोसॉफिकल ऐसे, उसके कोई डूज एंड डोंट्स हो ही नहीं सकते हैं, एक्सेप्ट द वर्ल्ड लिमिट्स, सम लैंग्वेज एंड नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, नो ग्रामर मिस्टेक्स। ओके, इसके अलावा देर आर नो डूज एंड डोंट्स। आई हैव गिवेन यू स्पीकिंग ट्री, कोट्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड थोड़ी बहुत स्टोरीज, स्टोरीज जैसे आप कहीं से पिक कर सकते हो। लाइक यस्टरडे व्हेन आई वाज कमिंग इन फ्लाइट, तो अभी 75 साल बन रहे हैं अमृतकाल, तो उसमें दे वेर अनाउंसिंग समथिंग, दे सेड वो कौन थी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में, देर वॉज सम लेडी, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, गूगल करना। शी इज नो है लक्ष्मी पंडित, शी इज नोन एज दी ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये नहीं पता था मुझे, फ्लाइट में पता चला। तो ये सब चीजें से, तो बी ऑब्जर्वेंट अबाउट थिंग्स, ठीक है? तो ऐसे पिक किया हमने, हो सकता है प्री में क्वेश्चन आ जाए, यू नेवर नो। वैसे भी यूपीएससी किटकैट के रैपर से क्वेश्चन पूछ रहा था थोड़े दिन पहले तक, लास्ट ईयर पता नहीं कहाँ से, इस साल पता नहीं कहाँ से पूछा है उन्होंने, ठीक है? सो जस्ट बी ऑब्जर्वेंट, यू कैन पिक ऑल दोज थिंग्स। तो इफ आई पिक दिस एग्जाम्पल्स ऑफ कैप्टन लक्ष्मी पंडित फ्रॉम द फ्लाइट, कैन यू इमेजिन या कैन यू ब्रिंग दोज थिंग्स इन वर्ड्स? एक स्टोरी तो लिखनी है, ऐसे क्या है, एक स्टोरी है, एक नरेशन क्रिएट करना है। जितने अच्छे से आप समझाओगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक? सो बी ऑब्जर्वेंट, ठीक? आप मूव कर रहे हो, इफ यू आर गेटिंग समथिंग, पिक अ स्टोरी फ्रॉम देयर। ओके, दीज आर ओनली डूज फ्रॉम माई साइड, नथिंग बियॉन्ड दैट, ठीक है? अब सीधे हम आते हैं अप्रोचेस टू राइट ऐसे। ये सब हम अप्लाई करेंगे अगले 3 दिन, ठीक है? आप भी लिखना, मुझे भी बताना कुछ चीज, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है? आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन ऐसे, ठीक है? लेकिन नंबर अच्छे आ जाते थे यही सब तोड़ जोड़ कर करके, ठीक है? अप्रोचेस, व्हेन यू राट लास्ट रोट एन ऐसे, आपने किस बेसिस पे लिखा था, क्या सोच के लिखा था, मतलब कुछ तो होगा दिमाग में, मतलब क्या अप्रोच लगाई थी आपने उस ऐसे में, जिसने भी लिखा होगा लास्ट टाइम, 3 साल पहले, 4 साल पहले कभी भी लिखा होगा, क्या अप्रोच लगाई थी? G20, क्या अप्रोच लगाई थी आपने? शेरपाज, ओके, ओके। G20 क्या है, मूर्त है कि निमूर्त है? अमूर्त है, अमूर्त है, अमूर्त है। इट हैज गॉट अ बॉडी ऑफ इट्स ओन, यू कैन सी G20, देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स अराउंड इट। तो ये तो बहुत लड्डू ऐसे है, ठीक है? राइट राइट एन एसे, लाइक राइट अ टॉपिक, टेक 5-10 मिनट्स एंड टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है? यूपीएससी में आया है ऐसे, राइट? विजडम फाइंड्स ट्रुथ, विजडम फाइंड्स ट्रुथ, डिफरेंट डायमेंशन, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिखो,
यू आर नॉट बॉन्डेड बाई एनी सिलेबस और एनीथिंग. ये मान लीजिए आ गया और 10 मिनट में आपको बोला गया कि स्टेज पे बोलना है, तो क्या बोलोगे आप? कोई तीन लोग बताइए क्या सोचा. आप बताइए उधर से पीछे से, आप बताइए क्या आया दिमाग में. लाइक ठीक है ओके व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट. लाइक विजडम आपने बता दिया, फिर ट्रूथ बताएंगे आप. बताया अभी, पहुंचे आप वहां पे truth. yeah
ओके ठीक है, अब बताओ, आप बहुत लिखे हो. एक्चुअली फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज विजडम देन सर व्हाट इज ट्रुथ देन सर हाउ विजडम फाइंड्स द ट्रुथ इज द प्रोसेस देन सर व्हाई विजडम नीडेड टू फाइंड द ट्रुथ व्हाई विजडम इज नीडेड टू फाइंड द ट्रुथ ओके ओके देन सर द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू इनकल्केट द विजडम सपोज आई कैन गिव द एग्जांपल लाइक पर्सनल केस जस्ट इनकल्केट wisdom to find the truth like acting during NCM ठीक है and recently जो कन एग्जांपल है लाइक जी सुबह रहा हूँ जस्ट गेट द पद्म श्री विद द अर्थन अर्थन चाहिए then sir process of like science study ठीक है sir research and innovation हो गया है and literature में भी हम एग्जांपल दे सकते हैं ठीक है sir spiritually to enable स्वामी विवेकानंद को रख सकते हैं And the thing is, if someone gets wisdom, if someone gets wisdom, then how do he able to find the truth? Like आपका ancient history का हम example ले सकते हैं. और other aspect में मैंने लिखा है कि some people also doesn't have wisdom, but they know the truth also, like death. So this is अब जो consequence हो रहा है कि like आपका जो cerebral war हो रहा है. आपने गुड अप्रोच, गुड अप्रोच उनका अच्छा था. और कोई आप बताइए. First of all, what is wisdom? Then what is truth? Truth is desirable. Then what's the different? How wisdom is different from knowledge? What is the basis of truth? Is it the material truth or spiritual truth? Then does it necessary that wisdom will always find in truth? What happens when truth is found through wisdom, and what happens if it's not found? ठीक है, वेरी गुड. आप देख रहे हैं लाइक यू आर ब्रिंगिंग इन मोर क्वेश्चंस इनटू दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट. आपने मान नहीं लिया फ्रॉम द स्टार्ट दैट विजडम ऑलवेज फाइंड्स द ट्रुथ. देयर इज ऑलवेज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दैट आल्सो. इफ यू विल ब्रेक इट, आप विजडम से क्या समझ रहे हो आप? व्हेन यू विल ब्रेक इट, आप विजडम को सबकी एक क्या डायम था प्रॉब्लम. यू आर थिंकिंग ओनली इन जस्ट वन डायमेंशन. विजडम इज समथिंग which is all about gyan or something. Wisdom can be more than that. Theek hai? Wisdom can be what? Act of communication. Wisdom is speaking up. Wisdom is what? Wisdom is having a middle path, middle approach. Wisdom could be a balanced approach to life. Wisdom ke hi kahi dimensions ho sakte hain. Theek hai? Wisdom is speaking when there is a right time to speak. For example, Indian women, they might have all the wisdom in life, but they might not be able to speak up against the patriarchal system because there are other structural problems in their lives. Kya women ko ye nahi pata hai ki unka shoshan ho raha hai, but still they are not able to. They are wise enough, but they are not wise in those particular situations. Theek hai, to wisdom ke kai aise hum jab karenge we'll open it up. Now truth, jab aap truth mein jaoge, is truth one or there are multiple truths? You can break the dimensions of truth also. ठीक है, पहले के लोग बोलते थे जो if somebody says I know the truth, is he being totalitarian? Obviously he is being totalitarian. यदि what Hitler said, I know the truth, I know that German race is going to rule the world. एक truth बोल रहा है वो. If somebody is saying I know the truth, that shows his authoritarian tendencies, that shows his totalitarian tendencies. ट्रुथ को भी जब आप ब्रेक करोगे तो यू विल गेट टू नो देयर इज नॉट वन ट्रुथ, देयर आर मल्टीपल ट्रुथ. ट्रुथ कैन बी कॉन्टेक्चुअल. ठीक है, तो जो पॉल साइंस या सोशियो वाले हैं, दे नो द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म. व्हाट डज पोस्ट मॉडर्निज्म सेज? दैट देयर कैन नॉट बी वन ट्रुथ.
ट्रुथ इज वेरी कंटेक्चुअल, मेरे लिए सत्य क्या है, तुम्हारे लिए सत्य क्या है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट. ठीक है, तो वो सब ब्रेक करना है हमको. ये तो फिलोसफिकल ऐसे की यही खूबसूरती है, डैट यू कैन ऑलवेज हैव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट. नाउ इन दिस विजडम फाइंड्स ट्रुथ ऐसे, डू यू हैव टू अग्री विद दिस? मतलब बिकॉज सिंस देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ फिलोसफिकल ऐसे, डू यू ऑलवेज हैव टू अग्री विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर स्टेटमेंट? इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? बिकॉज एवरी टाइम देयर इज वन फिलोसफिकल और एब्स्ट्रैक्ट ऐसे, प्लीज थिंक ऑन द काउंटर पॉइंट ऑल्सो. बहुत लोग नहीं लिख के आएंगे, दे विल बी वॉट, कन्फॉर्मिस्ट. दिया है मतलब सही दिया होगा, उसी को प्रूव करना है. एग्जैक्टली, यू हैव टू प्रूव दैट पॉइंट 70% टाइम्स, बट 30% या टूवर्ड्स कॉन्क्लूजन यू हैव टू गिव अ काउंटर नैरेटिव ऑल्सो टू दैट पर्टिकुलर थिंग. तो इफ आई से विजडम फाइंड्स द ट्रूथ, इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं बताइए? ओके, एनी एग्जाम्पल? ओके, हाँ, गॉट इट, गॉट इट. हमसे ले सकते हैं वाटर स्ट्रिकन, जैसे वहाँ पे चर्च वाला जो चीज चल रहा था, हाँ, मोनोपोली ऑफ व्हाट क्रिश्चियनिटी, हम्म, उन्होंने बता रहे थे कि हमने इसे प्लूटो की एग्जांपल भी ले सकते हैं ना. उस टाइम मतलब वो बता रहे थे उसके पहले जो कि जो अर्थ इज सॉरी सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, उसको भी ले सकते हैं. टिल दैट थिंकिंग दैट दैट इज द ट्रुथ. ठीक है, बट आफ्टर विजडम वो चीज बदलने लगा. ठीक है, इसको ना एक लार्जर, लाइक व्हेन यू विल बी राइटिंग इट, इसको एक पर्सपेक्टिव दीजिए. डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी एलिटिस्ट व्यू ऑफ फाइंडिंग द ट्रूथ, विजडम फाइंड्स द ट्रूथ? भाई इंडिया में जब एट अ सर्टेन, आज भी, व्हेन द सिस्टम ऑफ विजडम एंड सिस्टम ऑफ नॉलेज वॉज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू पर्टिकुलर कास्ट, ब्राह्मण्स, तो फिर तो वो बोल देंगे, वो तो दे हैव द मोनोपोली ऑन ट्रूथ ऑल्सो. They could have always told this is the truth because only they had access to wisdom and knowledge. जिनके पास नहीं था access, क्या उनका truth truth नहीं था? So the statements actually tells a lot about the elitist bias. आपको वो counter करना है वहां पे. ठीक है, तो इस counter argument में आप Marx को ला सकते हैं. Marx पढ़ा है किसी ने? Karl Marx. Marx क्या कह रहा है? That truth is what you do. The first thing man ever did was create something. Why? Because man is a creative animal and man is just not a thinking animal. ठीक है, this shows what? Analytic bias. आप जो करते हो किसी माँ, किसी बाप के लिए अपने, या किसी किसान के लिए अपने बेटे के लिए दो वक्त की रोटी, that's the biggest truth for him. ठीक है, if we say that wisdom leads to truth, then we are somewhere down the point, we are actually not accepting his way of life. ठीक है, तो elitism से आप counter करते हुए वो कर सकते हो, आगे जा सकते हो. ठीक है, तो आपको हमेशा एक counter argument भी रखना पड़ेगा. ठीक है, this was the whole point of making you write these things. बाकी his approach was good because ये बहुत ज़्यादा subject के beyond जाने की कोई कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में you have to go beyond subjects also. ठीक है, now we'll get back to approaches. Now these approaches are not कि भाई एक approach use कर ली then you cannot use another approach within an essay. These approaches are intermixed, सब साथ साथ चलेंगी. ठीक है, but it could be a good starting point to make you think actually कि सोचना किस direction में. ठीक है, तो एक approach होती है आपकी timeline approach. ठीक है, अदर अप्रोच इज द कंटेम्पररी अप्रोच. एंड योर थर्ड अप्रोच इज ह्यूमन अप्रोच. लिख लीजिए आप, तीनों बैक कहां से होता है.
First is timeline approach, second is contemporary approach, and third is human approach. Okay? क्या differences हैं तीनों में? When I say timeline approach, as the name suggests, आप किसी भी चीज की timeline में चले जाइए. If I'll talk about say feminism, फेमिनिज्म की आप टाइमलाइन डिसाइड कर सकते हो, कब से स्टार्ट हुआ, कब से नहीं हुआ. कैन यू थिंक ऑन दोज डायरेक्शन कि भाई इंडिया में फेमिनिज्म था कि नहीं था? हैं? नहीं बताओ, मुझे नहीं पता. हैं? कहां था? ठीक है, सभा समिति, विमेन वेर अलाउड. ठीक है, ऋग्वेदा के कुछ सूक्तियां हैं जो विमेन ने लिखी हैं. ठीक है, हाँ, गार्गी. ठीक है, तो गए आप टाइमलाइन में, बट देन सर्टेन थिंग्स चेंज इवेंचुअली. मिडिवियल टाइम्स आते तक, स्पेशली इन योर गुप्ता एज एंड ऑल, द सिचुएशन ऑफ वुमेन स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग. ठीक है, तो आपने एंशियंट से मिडिवियल में आए, इतना बताना है. फिर मॉडर्न में आ जाओ आप. मॉडर्न में व्हेन दिस थिंग स्टार्ट्स टू चेंज, हाँ, राजा राम मोहन रॉय एरा. ठीक है, वो हम वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. इंडियन कॉन्टेक्स्ट का ये एग्जांपल आप दे रहे हो. राजा राम मोहन रॉय एरा है, फिर नेशनल मूवमेंट जब आता है, देन वीमेन स्टार्ट टेकिंग पार्टिसिपेशन. बट डोंट यू थिंक दैट ड्यूरिंग लाइक इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, मोस्ट ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट वॉज लेड बाई मेन, नॉट बाई वीमेन. तो ये उसका ड्रॉबैक था. एक्चुअल फेमिनिज्म फिर इंडिया में कब देखने को मिल रहा है? इन पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम. पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में कब? इन योर 60s, 70s. ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. देन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स कमिंग, चिपको आंदोलन एंड ऑल. इट इज बीइंग लेड बाय हूम? विमेन. ये सब चीज आपको पता है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं. दिस इज इन योर एनसीईआरटीज, दिस इज इन योर सिलेबस, बट आपको थिंकिंग ऑर्गेनाइज वे में करनी है. सो दिस इज वॉट timeline approach, past, present, but what should be the future? Like in feminism, we have come a long way, okay? But what should be the future? जब आप timeline की बात करोगे, आपको future भी बताना है उसमें. What would be the future? How do you think the feminism should be? Where it should lead? Like क्या debates open होनी चाहिए feminism में? ओके, ठीक है, ये तो आप सॉल्यूशंस बता रहे हो मतलब, लेकिन व्हाट शुड बी द विजन? इगैलिटेरियनिज्म. ओके, इक्वल डिसीजन मेकिंग. या गुड, ठीक है, हाँ. और मतलब इसको आप किन शब्दों में बोल सकते हो कि भाई अभी तक जो what have been the feminist movements, mostly they have been demanding what special provisions for women, but the future should be that they should not be demanding special treatment, they should be equal from the start. आपका दिमाग ही नहीं जाना चाहिए कि some sex is weaker sex and needs special care and attention. ठीक है, women rights are equally human rights. ठीक है, क्यों? क्योंकि women भी human है. In fact, they are 50% of humanity and still they have been fighting for a special attention. That shows the structural inequities in the society itself. So, future kya hona chahiye? Ki women are equal citizen, both literally, functionally and structurally. To unko ye fight hi nahi karni chahiye. So, this is what timeline approach. Kisi bhi topic ka past, present, contemporary, future kya hona chahiye? Ab, can you limit it? इन जस्ट वन ऐसे कि भाई आपने कोई भी ऐसे आया, आपने सिर्फ पास्ट बता के छोड़ दिया. नहीं, दिस कैन बी यूज एनीवेयर. दिस कैन बी, अभी जब हम आगे देखेंगे तब मैं बताऊंगा. विजन से स्टार्ट करते हो आप हमेशा ऐसे. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करते हो. दिस कुड बी अ विजन, दिस कुड बी अ कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. ठीक है, तो वन इज योर टाइमलाइन अप्रोच. सेकेंड, कंटेम्प्रेरी अप्रोच.
ठीक, अगेन आई एम कीपिंग द सेम एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिज्म या जेंडर इश्यूज या विमेन इश्यूज। ये अप्रोच क्या, लाइक व्हाट द वर्ड टेल्स कंटेम्प्रेरी, सुनते ही क्या क्लिक किया आपको दिमाग में? प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या स्टेटस ऑफ विमेन, ओके, चैलेंजेस, ओके, और क्या कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में? रियल टाइम सिनेरियो, ओके। देखिए कंटेम्प्रेरी सिचुएशन जब भी आएगी ये बहुत इजी होती है, स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बिकॉज दे कीप रीडिंग न्यूज़पेपर्स। मॉडर्न अभी हाल फिलहाल के लास्ट वन ईयर्स में क्या इश्यूज हैं विमेन के, बीट इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड? क्या जी? इक्वल पे फॉर इक्वल क्रिकेटर्स स्पोर्ट्स में, ओके, स्पोर्ट्स इक्वल पे, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, आर्मी कमीशनिंग एंड ऑल, ठीक है, ये इंडियन स्पेसिफिक हो गया। और कंटेम्प्रेरी जाएंगे, अमेरिका में क्या चल रहा है, रो वर्सेस वेट, प्रेगनेंसी राइट्स, बॉडीली ऑटोनॉमी इश्यूज, ठीक है, हिजाब केस, सेक्सुअल सेक्सुअल राइट, टेंपल एंट्री, और क्या, या ओके, एजुकेशन, तालिबान, ठीक, इतना सारा आता था आपको, तब तो आता था, ठीक है, यही ऐसे है, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट एनी टॉपिक बाय इमीडिएटली ब्रिंगिंग इनटू द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर ऑल द कंटेम्प्रेरी थिंग्स हैपनिंग अराउंड दैट टॉपिक, ठीक है, इसी से आप स्टार्ट करो। फिर आगे पीछे क्या होगा, बॉडी ऑडी, वो हम अभी करेंगे आगे, ठीक है, बट कैन यू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एग्जामिनर विद ऑल दीज इश्यूज? यस, यू कैन डू दैट। सो दिस इज अनदर अप्रोच ऑफ hinting at a topic or getting at a topic, ठीक। Now third approach, human approach, क्या बोल रहा है शब्द human approach, बोलिए कुछ भी बोलिए, like या examples in what, of what, okay, only present cases, past also, इसको आप break कर सकते हो। अगर आप, मैं बोल रहा हूं human approach, then again bring in the timeline approach into it, या दूसरी चीज एक होता है pestle, ये शब्द सुना होगा, very common, सुना है ये शब्द, ठीक है, बेसिकली ये यूपीएससी का सिलेबस है आपका, जीएस, पॉलिटिकल इकोनॉमी सोसाइटी टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट एंड लॉ, ठीक है, तो इन सब फील्ड से एक एक विमेन के एग्जांपल पिक कर लो। पॉलिटिक्स से कौन हो गई, जो मैंने सुषमा स्वराज का ले लीजिए, सरोजनी नायडू का ले लीजिए, कैप्टन लक्ष्मी पंडित कल बताया, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इकोनॉमिक से इंदिरा नुई, गोपीनाथन, आईएमएफ वाली, ठीक है, अभी नायका की कौन हो गई जो सीईओ बनी है, वो गूगल करना आप लोग, ठीक है, यही सब पिक करना होता है हिंदू से, ठीक है। सोसाइटी, सोसाइटी के तो ढेरों एग्जांपल दे दो, कोई भी, सावित्री भाई फूले, सोसाइटी, नेक्स्ट कौन है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इंडियन वीमेन, कल इसरो लॉन्च किया, पकड़ लेते उनका नाम, पिक किया हिंदू से, यही पिक करना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट तो विमेन ही चला रही है, इको फेमिनिज्म, ठीक है, वंदना शिवा, टेक्नोलॉजी में भी आप वंदना शिवा का नाम दे सकते हैं, ठीक है, शी राइट्स अ लॉट ऑन सीड्स एंड ऑल, ओके। लॉ, लॉ एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज फॉर विमेन, इसमें कौन है जो लॉ की फाइट कर रही है, मनेका गुरुस्वामी लेटेस्ट अभी,
ठीक है, शी इज फाइटिंग फॉर वॉट, LGBTQ राइट्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हो गया नाम, कुछ नया करना था आपको, नहीं करना था। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच क्या है, पिक एग्जाम्पल्स इन ऑल दीज एरियाज एंड देन थिंक अराउंड दोज लाइन, यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट योर एसे फ्रॉम देयर, दिस इज द थर्ड अप्रोच। ये सब एक दूसरे में इंटरमिक्स होती रहेंगी, ठीक है। कोई डाउट अब तक इन तीन अप्रोचेस में? ठीक, यही तीन अप्रोचेस हैं मेजर, इसके बियॉन्ड भी हो सकती हैं बट वी वोंट गेट इनटू देयर, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। सो ऑल दीज थ्री अप्रोचेस वी हैव टू कीप यूजिंग इट इंटरचेंजेबली इन वाइल राइटिंग एन एसे। इसमें आप हिस्टोरिकली भी जा सकते हो, जैसे कि उन्होंने बोला गार्गी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, एंशियंट टाइम्स में का दे सकते हो आप, सोसाइटी का, वुमेन का। मिडिवल टाइम्स में वी हैड रजिया सुल्तान, ठीक है, और हुमायूं की वाइफ थी, ठीक है, गुलबर्ग बेगम और समथिंग, गुलबदन बेगम और समथिंग, ठीक है, शी हैड एक्चुअल पावर। रानी लक्ष्मीबाई, हाँ ठीक है। फिर मॉडर्न टाइम्स के तो है ही सारे एग्जांपल्स जो हमने दिए, ठीक है, इसमें भी आपने टाइमलाइन अप्रोच लगा दी, दिस इज ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। ये हमारी तीन अप्रोचेस हो गई। अब कम टू मेन एसे नाउ, ठीक। अब एसे में विजन शुड बी योर इंट्रोडक्शन, ठीक, योर इंट्रोडक्शन शुड स्टार्ट विथ अ विजन। व्हाट इज द विजन? व्हाट इज द विजन? एक टॉपिक लिखिए, डिसइंटरेस्टेड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, डिसइंटरेस्टेड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इज द लाइफ ब्लड ऑफ, इज द लाइफ ब्लड ऑफ रियल सिविलाइजेशन। Disinterested intellectual curiosity is the lifeblood of real civilization. ठीक, अब दो मिनट सोच के बताइए, if you had to write, how would you have started your introduction? इसमें दो मिनट सोचिए, जिसके जो मन में आ रहा है, we can start from there. Nothing is right and wrong in an essay. हिंदी सबकी अच्छी है यहां पे, है? इसका हिंदी तात्पर्य है, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। ठीक है, कई बार नहीं, इफ यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड फ्रॉम इंग्लिश यू कैन ऑलवेज गो बैक टू हिंदी। मुझे मतलब दो तीन वो अनिल कपूर की लैंग्वेज में झकास इंट्रोडक्शन चाहिए, जल्दी से बताओ, देन आई विल कम बैक टू इट।
सबको थॉमस एडिसन इतना क्यों पसंद है? पीरियड का वो एग्जांपल है ठीक है, कौन सी स्टोरी डाल रहे हो? ओके एप्पल ठीक है. ओके गॉट इट. ठीक है. तो क्या इंच क्या डालोगे टाइमलाइन में? ठीक है ओके ठीक है. तो दिस इज व्हाट ब्रॉड विजन दैट यू अंडरस्टूड विद द एसे. तो इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे एनेक्डोट्स यू कैन स्टार्ट. ठीक, यही ब्रॉड व्यू रखना है. लेकिन योर स्टोरी शुड जस्टिफाई दैट वेयर यू विल बी हेडिंग इन दिस एसे. ठीक है, यू कैन नॉट जस्ट राइट अ स्टोरी और एनेक्डोट जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इट. आप मान लीजिए इसरो या ये सब बता रहे हैं, तो योर एसे शुड मूव इन दैट डायरेक्शन कि भाई हाउ. लेकिन यहां क्या बोल रहा है? डिसइंटरेस्टेड क्यूरियोसिटी. अगर इंटरेस्टेड क्यूरियोसिटी हुई किसी को तो किसी का बुरा हो रहा है उससे? व्हाट इज इंटरेस्टेड क्यूरियोसिटी भाई? यूपीएससी क्यों दे रहे हो? यू वॉन्ट अ जॉब, यू लव पावर, यू वॉन्ट जॉब गारंटी एंड ऑल. तो वो तो इंटरेस्टेड क्यूरियोसिटी हुई ना, तभी तो. दैट्स व्हाई यू आर रीडिंग यूपीएससी. नहीं है ऐसे सीखने क्यों आते? सुबह सुबह भूत आया है कि 7:30 बजे से उठ के ऐसे पढ़ने आए हो? इज इंटरेस्टेड क्यूरियोसिटी रॉन्ग? स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड द साइंटिफिक इन्वेंशन ऑल दिस आर इंटरेस्टेड क्यूरियोसिटी? इंटरेस्टेड इफ इंडिया इज डूइंग चंद्रयान, वो क्या है? नेशनल इंटरेस्ट में काम करना है. यू आर डिफाइनिंग योर नेशनल इंटरेस्ट, बिकॉज इफ यू डोंट डू दिस, टुमारो चाइना विल बी अ सुपर पावर इन एवरी फील्ड. दैट इज द रीजन यू डिड आर्टिमिस अकॉर्ड फॉर विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दैट इज वाई अवर प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू फ्रांस टू हैव अ नो हाउ इन न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल. है इज इंटरेस्टेड क्यूरियोसिटी बैड? तो इंट्रोडक्शन में दोनों चीज नहीं बतानी चाहिए आप लोग को? कहानी बतानी चाहिए कि नहीं? एनेक्डोट्स एंड स्टोरीज. द विजन, आई रोट द वर्ड विजन. व्हाट इज द विजन? विजन इज अ ग्रैंड आइडिया दैट यू विल राइट थ्रू आउट द एसे. विजन इज द ट्रेजेक्ट्री और एसे वुड टेक इवेंचुअली. आपको विजन में अपना कंक्लूजन भी बताना है. प्रियम्बल कब लिखा गया था? जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया कि पहले प्रियम्बल लिखा गया? एट द एंड. तो विजन हमेशा बाद में लिखा जाता है, लेकिन यू हैव अ डिफिकल्ट टास्क एट योर हैंड. आपको पहले विजन लिखना है, या अगर बहुत स्मार्ट हो तो एक सवा पन्ने छोड़ देना. एंड वेन यू हैव रिटन एवरीथिंग देन कम बैक टू विजन. और डेढ़ और विजन बहुत ऐसे 4 पन्ने विजन नहीं लिखना है. आई वॉज करेक्टिंग वन एस्से पेपर, ही रोट इट ब्यूटिफुली, बट द प्रॉब्लम इज उनका ऑप्शनल था हिंदी लिटरेचर. ठीक है, हिंदी माध्यम में हिंदी लिटरेचर लेते हैं 90% लोग. प्रॉब्लम विद दैट इज हिंदी लिटरेचर इज नॉट मल्टी डायमेंशनल. वो बहुत कविताएं लिख देंगे, छंद लिख देंगे, दोहे लिख देंगे, सब लिख देंगे, बट देन दे आर नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड दैट. भाई वो 3 पन्ने तक उसका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, वो समय समझा रहे हैं मुझे 3 पेज तक. चौथे पेज तक मेरा समय खराब हो चुका था. वाई वुड आई गिव हिम एनी नंबर बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड पढ़ना ही नहीं मुझे. आई गॉट बोर्ड. ओके, सो इन विजन यू हैव टू गिव द बोथ साइड ऑफ द कॉइन. इसलिए मैंने बोला फिलोसफिकल एसेज में यू डोंट जंप टू अग्री विद द स्टेटमेंट, हैव सम व्यूज टू डिसअग्री विद द स्टेटमेंट. मैं अभी से बता रहा हूं डिसइंटरेस्टेड वाला. मैंने हिंट दे दी बहुत सारी आपको. कॉन्क्लूड कहां जाओगे आप? नेशनल इंटरेस्ट एंड अ लॉट ऑफ टाइम इन मॉडर्न टाइम्स द लाइफ स्टाइल डिमांड्स दैट यू गो फॉर इंटरेस्टेड इंक्वायरी. ठीक है, तभी लाइफ सफल होगी, तभी यू विल रीच योर गोल्स. इफ यू गो फॉर डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी अ लॉट ऑफ टाइम यू विल बी व्हाट? यू विल बी डायरेक्शनलेस. ठीक है, गांधी जो थे,
क्या थी उनकी? डिसइंटरेस्टेड वो थी इंक्वायरी नहीं, ही वॉज अ शार्प पॉलिटिशियन, ही न्यू वेन टू स्टार्ट अ मूवमेंट, वेन टू एंड अ मूवमेंट. अगर वो डिसइंटरेस्टेड होते तो उनको कभी पता ही नहीं चलता कि मुझे कब स्टार्ट करना है, वो तो एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे होते, ठीक है. बट वेन ही डज एक्सपेरिमेंट्स ही ऑल्सो हैड द एबिलिटी टू कीप चेंजिंग द कोर्स, जहां गलत होते थे मानते थे. वेन यू गो फॉर सम काइंड ऑफ इंटरेस्टेड क्यूरियोसिटी यू ऑलवेज नो दैट दिस इज माई गोल, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस आई वॉन्ट टू सी, दिस इज माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंड इट माइट नीड अ कोर्स करेक्शन एवरी नाउ एंड देन. चंद्रयान 3-2 फेल हुआ, तब 3 में हमने कुछ चेंजेस किए. ये सब लिंक हो रहा है आपका, न्यूज़पेपर से हो रहा है. आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग न्यू, यू ऑल नो ऑल दीज थिंग्स, ओके. अब मान लो ये स्टेटमेंट है डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी, इसके और डायमेंशंस क्या हो सकते हैं विजन में? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विजन, ये तो हमने बहुत ज्यादा उससे ज्ञान व्यान से लिंक कर दिया. वॉट कुड बी अदर डायमेंशन ऑफ दिस डिसइंटरेस्टेड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इज द लाइफ ब्लड ऑफ रियल सिविलाइजेशन. नेसेसिटी, ओके, ये सब लिखते जाओ ना पॉइंट्स अपना विजन में, जो जो दिमाग में आ रहा है. दिस इज अबाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग, मैंने बोला 30 मिनट वही करनी है, हम वही कर रहे हैं. ओके, तो यू आर टॉकिंग अबाउट वॉट लाइक सेल्फलेस जो है आध्यात्मिक पाथ. यू वॉन्ट टू गेट इन टू द मेटाफिजिक्स ऑफ लाइफ, हम जीवन में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, ठीक है. लिखो मेटाफिजिकल इंक्वायरी. अभी लिखो तो डायमेंशंस तो लिखो, फिर हम उसके आएंगे, वहां पे भी आएंगे ना. किसी का मोबाइल, आई हैव नॉट प्रिपेयर दिस एसे, मैं यही कर रहा हूं. मतलब मेरे सामने अगर आया, हाउ वुड आई अटेंड दिस एसे. थर्ड डायमेंशन क्या हो सकता है इसका? इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी जनरली करते कौन है? दोज हु क्वेश्चन, ठीक है. जो क्वेश्चन नहीं करते, ऑल दोज हु आर कंफॉर्मिस्ट, डू यू थिंक दैट दे कैन क्वेश्चन एनीबडी? जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है थ्रू आउट द लाइफ, बी इट गांधी, ठीक है. गांधी अगर साउथ अफ्रीका में क्वेश्चन नहीं करते उस रेजीम को, डू यू थिंक ही वुड हैव गॉट द होल आइडिया ऑफ सत्याग्रह? नहीं, ठीक है. तो क्वेश्चन कौन करता है? अथॉरिटी को क्वेश्चन करना, ठीक है. तो नेक्स्ट डिबेट इसमें क्या हो सकती है? डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म हो सकती है. हाँ, रेबल, बीइंग अ रेबल, रेबल वर्सेस कंफॉर्मिस्ट. अभी मैं डायमेंशंस बता रहा हूं, विजन में मैं आऊंगा. बट व्हेन यू आर बाइफर्केटिंग दिस डिबेट इनटू टू ब्रॉड पॉइंट्स, कंफॉर्मिस्ट भी होना कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन रेबल भी होना अच्छी बात है. तो आपको इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा एनेक्डोट रखना पड़ेगा जो दोनों कॉइंस को दिखाए, दोनों साइड्स ऑफ कॉइंस, ओके. सो लाइक राइट इट, आई एम टेलिंग यू इंट्रोडक्शन. विजन मैं क्या लिखता है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, ओके. तो एक दूसरी एक चीज याद रखिएगा, सिंस यू विल बी राइटिंग इन इंग्लिश, यू कैन यूज हिंदी पोएट्रीज एंड ऑल, बट उसको लिखिएगा अपनी इंग्लिश में, रोमन स्क्रिप्ट में, नॉट इन देवनागरी, ओके. सो जस्ट स्टार्ट दिस. एक कहावत है, मतलब आई डोंट नो कितना सही है. लिखो, राजा बोला रात है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और ये सब सुबह सुबह की बात है. ये सब सुबह सुबह की बात है. ऑल द फोर पीपल आर सेइंग इट्स नाइट बिकॉज किंग हैज टोल्ड इट्स नाइट, बट ये हो कब रहा है? जब बाहर में मॉर्निंग है, ओके. सो कैन यू स्टार्ट दैट दीज पीपल डिड नॉट हैव एनी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी,
or these people were so much blinded by the obedience that they could not question the authority. ठीक है, and any civilization or any society which does not question the established norms, that society never progresses. ठीक है, यही हो गया intellectual curiosity. आपने बता दिया कि कैसे आप अपना ऐसे किस direction में ले ले जाने वाले हो. ठीक है, and you can use another quote, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो. जैसे इंडिया में एक होता है, हिंदी का एक होता है, विद्या, लिखो, विद्या ददाति विनयम. ठीक है, विद्या ददाति विनयम. तो ये आपका विजन हो गया ग्रैंड, इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो. इसमें यू कैन स्टार्ट इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ विद एन एग्जांपल कि भाई हुआ क्या यहां पे एग्जैक्टली. तो अगर राजा राम मोहन रॉय रेबल नहीं करते तो मे बी इंडियन वुमेन वुड हैव बीन सर्टिफाइड इवन इन मॉडर्न टाइम्स. ठीक है, या फॉर दैट मैटर कुछ वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गई होती तो स्टिल दे वुड नॉट हैव बीन गेटिंग एनी प्रॉपर्टी राइट्स. व्हाट इफ सर्टेन पीपल डिड नॉट चैलेंज द एलजीबीटीक्यू राइट रेजीम इन इंडिया. हमारे पास अभी भी वही चल रहा होता. ठीक है, तो इंट्रो में ही आपने दो तीन डायमेंशंस दे दिए ऑफ बीइंग रेबल, ऑफ बीइंग नॉन कंफॉर्मिस्ट. और लेकिन इसमें आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी. क्या लिखनी पड़ेगी? इस क्या कह रहा है, डिसइंटरेस्टेड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी. ठीक है, इसमें आप लिखो बट, लिखो सी में बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू बी टोटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम द गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, बिकॉज देयर इज समथिंग नोन एज, बिकॉज देयर इज समथिंग ऑल्सो नोन एज टीलियोलॉजी. शब्द पता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टीलियोलॉजी? वो थियोलॉजी है. दिस इज बीइंग डिराइव फ्रॉम द वर्ड टेलोस. ओके, टेलोस का मतलब होता है कि एवरीथिंग विच इज देयर इन इन नेचर इट हैज गॉट सर्टेन ऑब्जेक्टिव टू फुलफिल. आपके ऑब्जेक्टिव्स पहले से डिसाइडेड हैं, आप वो करने आए हो. यू आर मूविंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली. सो इफ यू आर मूविंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, हाउ कैन यू बी निष्काम, हाउ कैन यू बी डिसइंटरेस्टेड? हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप आए हो कोई ऑब्जेक्टिव सिद्ध करने के लिए. दिस इज टीलियोलॉजी, यू आर मूविंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो आपने विजन में ही बता दिया दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स you cannot be disinterested, you have your curiosity might be very interested one also. wo galat hona bhi wo hona bhi koi galat baat hai nahi. theek hai, to jab aap conclude karne jaoge tab wahan pe aap india ke national interest ka examples de sakte ho, that what india wants to achieve. theek hai, india wants to be what, global power. global power ke liye you need lot of alliances. ठीक है, तो इंडिया क्या नेशनल इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड होके अलायंसेस कर रहा है? हाउ कैन यू से दैट डिसइंटरेस्टेड क्यूरियोसिटी इज लीडिंग टू इंडियाज डेवलपमेंट? तो काउंटर आर्ग्यूमेंट हो गया आपका. तो वो कंक्लूजन में लेकिन आपको एग्जांपल देना है, बट इंट्रोडक्शन में, विजन में आपने पहले ही बता दिया कि यू विल प्ले द बोथ साइड्स. ठीक है, तो ये इंट्रो में और कंक्लूजन में एक लिंक होना चाहिए आपका. गॉट इट? ठीक है, या डाल सकते हो लाइन भी. डू हैव एग्जांपल्स फॉर दैट टू सपोर्ट? तो वो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया ना वो, कि
इस उम्र में भी दे हैड इंटेलेक्चुअल मेरा क्यूरोसिटी. मतलब है कि क्यूरियोसिटी सर मेरा मतलब है, बट बात ये कि इंटरेस्ट भी है, बट देयर सर्कमस्टेंसेस. यस या यू कैन यूज दैट, यू कैन यूज दैट, यू कैन टेक अ मिडिल पाथ ऑल्सो. जैसे कि यूपीएससी में एक ऐसे आया था आज से 2-3 साल पहले, दैट न्यू एज वीमेन इज एबल टू बैलेंस हर बोथ द रोल्स. ठीक है, इसके डायमेंशंस अगर आप जाओगे डायमेंशंस में, तो एक तो सपोर्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली न्यू एज वीमेन इज डूइंग दैट विद लॉट ऑफ डेटा फैक्ट्स. मेरी कंपनी दंगल मूवी का दे सकते हो. दूसरा बात, नहीं सपोर्ट करना कि भाई न्यू एज वीमेन अगर जॉब करने जा रही हैं तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं पीछे रह रही हैं. एक इसका मिडिल अप्रोच भी है, क्या वीमेन आर टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस इन न्यू रोल्स, बट देन द सिचुएशन इज दैट दैट दे आर नॉट एबल टू फुलफिल इट कंप्लीटली. कैसे, डॉक्टर्स बन रही हैं बट मैक्सिमम क्या बनाया जाता है उनको, डेंटिस्ट या गायनी. क्यों, फिक्स जॉब्स हैं बिकॉज दे हैव टू कम बैक एंड लुक आफ्टर देयर होम्स ऑल्सो. ठीक है, उनको हाई सर्जिकल जॉब्स जो होती हैं, लाइक वेरी डिमांडिंग जॉब जिसमें उनको 3-3 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, वो जॉब्स नहीं मिल रही हैं उनको. ठीक है, ऐसे ही ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, दैट दे मूव एट अ सर्टेन लेवल बट वहां से फिर टॉप नॉच में जाने में दे फील डिफिकल्टी. सो दे आर गेटिंग इन टू न्यू एज जॉब, दे आर बैलेंसिंग परफेक्टली बिटवीन देयर डोमेस्टिक लाइफ एंड देयर प्रोफेशनल लाइफ, बट देन दे आर नॉट एबल टू ब्रीच दिस ग्लास सीलिंग. स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं, तो आर दे एबल टू फुलफिल देयर न्यू एज रोल? नो. तीसरा बोल सकते हो कि मॉडर्न टाइम्स में कई बार क्या होता है कि विमेन पे जबरदस्ती सर्टेन रोल्स आर बीइंग प्री डिफाइंड. वो दिखने में तो अच्छे होते हैं बट दे आर मेंट टू शो दैट विमेन आर अ फेलियर. जैसे कि याहू, याहू का सुना है, याहू मेल, वो याहू मेल वॉज एक्चुअली फेलिंग अलॉट. उसमें लाया ही उन्होंने फीमेल सीईओ को इसलिए ताकि दे कैन गिव ऑल द ब्लेम टू अ फीमेल कि भाई ये आई है तब से याहू का सत्यानाश हुआ है. ठीक है, सो आर विमेन एबल टू फुलफिल द न्यू एज रोल? नो. उनको एक्सपेक्टेशंस तो यहां रखी गई बट देन शी वॉज ब्रॉट इन सो दैट शी वॉज बाउंड टू फेल. ये तीनों परस्पेक्टिव आप ले लिया आपने इसमें, नेगेटिव एंड द मिडिल पाथ ऑल्सो, दैट दे माइट बी सिचुएशंस दैट दे आर गेटिंग द न्यू रोल और दे माइट गेट अ न्यू रोल बट दे आर नॉट इवेंचुअली गेटिंग द न्यू रोल बिकॉज दिस दिस दिस. गॉट इट? तो ये तीनों मतलब अपना थोड़ा दिमाग खोल करके सोचना, इसलिए मैंने बोला दिस इज एन इवेंचुअल प्रोसेस. रात में 4 कोट रटने से नेक्स्ट डे यू कैन नॉट राइट अ गुड एसे. ठीक है, तो ये आपने विजन डाल दिया. नाउ विल कम टू लाइक, ये समझ में आया? यू मे डिसअग्री विथ मी ऑल्सो, ऐसा है नहीं कंफॉर्मिस्ट बनना है आपको. या बट यू के वो एडिसन वाला एग्जांपल भी डाल सकते हो इसमें. एडिसन का डिसइंटरेस्टेड था. ठीक है, ही डिड नॉट नो दैट ही वॉज इन्वेंटिंग अ बल्ब, ही जस्ट केप्ट ऑन डूइंग इट डूइंग इट डूइंग इट. ठीक है, या फॉर दैट मैटर यू नो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, पता था ये? एक्चुअली ही वेंट टू स्कूल बट देन ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द स्कूल. ठीक है, हाँ, देन हिज मम टोल्ड हिम दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कूल, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व योर क्यूरियोसिटी और योर क्वेश्चन. ये डिसइंटरेस्टेड क्यूरियोसिटी थी. ठीक है, तो आप लिंक कर सकते हो वो चीज भी. तो आपने दोनों स्टोरीज दी. ठीक है, कल लाइक आज अगर टाइम मिला, नहीं तो कल विल डू एंड विल राइट अ फुल फ्लेजेड एसे ऑन फेमिनिज्म. तब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों साइड ऑफ द स्टोरीज कैसे आपको प्ले करनी है. बट ये एडिसन वाला लिख लो, गुड पॉइंट, आई फॉरगॉट टू मेंशन. जस्ट राइट, लिखो लिखो The ultimate example of disinterested intellectual curiosity. Can be found in Edison. लिखो, ही वॉज किक्ड आउट ऑफ स्कूल
because of his disinterested curiosity, and asking a lot of questions, theek. Dekho, another example of disinterested inquiry is James Watt. ठीक है, James Watt नाम सुना है क्या? Steam engine. ठीक है, लिखो his disinterested inquiry into the steam from a kettle led him to invent steam engine. Led him to invent steam engine. ठीक हो गए दो एग्जाम्पल. इंडियन माइथोलॉजी से कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं? आई एम रियली बैड एट माइथोलॉजी एंड ऑल. आप लोग बताओ कुछ तो मेरे लिए इम्प्रूव हो जाएगा नेक्स्ट टाइम. मैं जितना मुझे याद आ रहा है लॉर्ड हनुमान का, ही मतलब ही हैड सो मच पावर बट ही डिड नॉट नो अबाउट इट. ठीक है, वो अर्थ को एप्पल समझ के मुंह में डाल लेते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. या वो पिक कर है सन को. तो ये डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी थी, बट देन थ्रू दिस ही गेट्स टू नो अरे ये सूर्य पुत्र हैं फिर. ठीक है, तो ये दिस वाज व्हाट, दिस वाज अ डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी. एक एप्पल लगाया, लगी थी भूख, पहुंच गए खाने, बाद में पता चला ये तो हमारे पिता हैं, हैं पवन पुत्र. तो सूर्य पुत्र का क्या है फिर? स्टूडेंट बने. ठीक है, स्टूडेंट बना दो. आई बोला ना आई एम बैड. लैक ऑफ प्रमोशन इन वॉट? तो बट फॉर दैट वी विल नीड इंटरेस्टेड क्यूरियोसिटी ना. बट नेगेटिव से मत स्टार्ट करो गवर्नमेंट में. हाँ, वी कैन, यू कैन ऐड इवेंचुअली, यू कैन ऐड. बट सी इन एसेज एंड एवरीथिंग, डोंट बी टू हार्श और क्रिटिकल ऑन गवर्नमेंट और स्टेट. ठीक है, यू वोंट गेट गुड मार्क्स. स्टार्टिंग ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, पता है कि भाई वहां पंखा नहीं चलता है, बट क्यों बन रहे हो फिर ब्यूरोक्रेट? वो देखा सीरीज सन्नी भैया, संदीप भैया है? तो yes. संदीप भैया वॉज वॉट? ऑप्टिमिस्ट. ठीक है, वो सिस्टम में ही सॉल्यूशन होता है. ही इज दैट काइंड ऑफ स्कूल. ओके, सो आपको भी वैसा ही बनना है. ठीक है, नाउ कम टू ओके. ठीक है, मुझे नहीं पता, आप बताइए मतलब और इसके बारे में. बट ही रोट ना इवेंचुअली, तो किसने बताया उनको कि लिख सकते हैं? वाल्मीकि की भी तो रामायण है. ही डिड नॉट नो अबाउट इट. ठीक है, सो यू हैव एग्जांपल्स. ओके, लिख सकते, लिख लो भाई जिनको समझ में आ रहा है वाल्मीकि एग्जांपल एंड ऑल. नॉट ऑलवेज, बट फिलोसॉफिकल एसेज आर ऑलवेज आर्ग्यूमेंटेटिव. यू विल हैव टू शो अदर साइड ऑफ द कॉइन. बट देन हाउ विल योर ऐसे विल बी मल्टी डायमेंशनल अगर आप दूसरा साइड नहीं दिखा रहे हो. आई एम गेटिंग योर पॉइंट. आप मत लिखो, आप एक एक्सरसाइज करना, राइट वन ऐसे विच इज टोटली कंफॉर्मिस्ट. ओके, टू पूरा स्टार्ट से एंड तक. बट देन राइट वन ऐसे विच ऑल्सो शोज द अदर कॉइन, अदर साइड ऑफ द कॉइन.
यू योर सेल्फ विल फील दैट सेकेंड एसे इज बेटर. यिंग यांग दिन रात, तभी मतलब दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, ठीक है, तभी बोलते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट. तो वो होना चाहिए एलिमेंट एसे में, स्पाइस आता है. तो जबरदस्ती कहाँ लिख रहे हो, इतने एग्जाम्पल्स दे रहे हो तुम, फोर्स किया किसी ने एग्जाम्पल, देखो चार एग्जाम्पल आ गए. इज एनीबडी फोर्सिंग दैट डाउन योर थ्रोट? नो, बिकॉज इट हेल्प्स एक्चुअली, क्योंकि और लोग लिख रहे होंगे. आई एम सेइंग 90% टाइम्स बी कंफॉर्मिस्ट, 90% टाइम प्रूव करते रहो उसको. हाँ तो फिर कर लो, ठीक है. नाउ कम टू अदर पार्ट, बॉडी. ठीक है, बॉडी के कई एलिमेंट्स हो सकते हैं. आई एम मोस्टली डीलिंग विथ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, ठीक है. आई एम एज्यूमिंग फैक्चुअल वाले आप कर लोगे, ठीक है. होगा अगर टाइम मिला देन विल गेट बैक टू वन फैक्चुअल ऐसे ऑल्सो. उसकी तो रूपरेखा अलग ही होगी, ऑलमोस्ट यही होगी, बट उसमें तो यू नो यू हैव टू जस्ट ब्रेक दी आइस, प्रोस कॉन्स कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस एंड, ठीक है. उसमें दिमाग नहीं लगाना है. अब बॉडी में यू हैव अ स्टेटमेंट डिसइंटरेस्टेड वाला. नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन टू द एग्जामिनर कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है. आपने इंट्रोडक्शन में कहानी बताई, समा बांधा, कॉन्टेक्स्ट बताया, डायरेक्शन बताया, विजन बताया, बट टिल नाउ हैव यू बीन एबल टू एक्सप्लेन द टर्म्स. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिसइंटरेस्टेड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी? व्हाट इज इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी टू स्टार्ट विथ, ठीक है. व्हाट इज द रियल सिविलाइजेशन? व्हाट इज द लाइफ ब्लड? ये तीन टर्म्स आपने नहीं समझाए हैं अभी तक, समझाए हैं. तो ये बॉडी के में जब जैसे ही आप विजन स्टेटमेंट दे दोगे, नेक्स्ट लॉजिकल आउटकम इज, लेकिन जब नेक्स्ट लॉजिकल आउटकम में जाओगे क्या कनेक्टर यूज करोगे? Therefore या henceforth. क्यों? आपने उसके विजनल के डायमेंशन बताए इंट्रोडक्शन में, तो ऑटोमेटिकली कनेक्टिंग लाइन शुड बी therefore या henceforth, ठीक है. तो लिखिएगा henceforth or therefore we try to understand the given statement through the dimensions, ये सब. फिर एक उस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करिए कि what does this statement want to convey, या स्टेटमेंट से आप क्या समझ रहे हो. तो ये बॉडी होनी चाहिए, बहुत बड़ा नहीं लिखना है आपको, फिनिश्ड इन 4-5 लाइंस ओनली, ठीक है. क्योंकि अब आगे जाकर के आप उसको और ब्रेक करोगे, ठीक है. नाउ कम टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी. अब डिसइंटरेस्टेड क्यूरियोसिटी, मैंने आपको तीन अप्रोचेस बताई, टाइमलाइन, कंटेम्पररी एंड ह्यूमन. कोई भी एक पिक कर लो या दो पिक कर लो, ठीक है. अब देखो डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी से क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं. हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, ठीक, ये सारे क्वेश्चंस हैं. या रियल सिविलाइजेशन, सेम क्वेश्चंस. हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, whom, whom में human आ गए, how, when, why, ये historical हो गई, where, what, contemporary examples, time, लिखो ये question सारे लिखो. Now think along these lines only, कि भाई कौन सी civilization थी जो disinterested curiosity पर based थी. हड़प्पन, कैन यू गिव एग्जाम्पल्स हड़प्पन के उठा करके, ठीक है. क्यों? दे हैड सर्टेन ज्योग्राफिकल लोकेशन, ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने पोर्ट भी बनाए, ठीक है. पानी की प्रॉब्लम होती थी, सो दे वेंट फॉर वॉट, वाटर स्टोरेज, मोहनजोदड़ो, ग्रेनरी को स्टोर किया उन्होंने, ठीक है. And this was their curiosity that they were the planned civilization around the world. आज तक वैसी planning नहीं हो सकी, ठीक है. उस समय का स्वच्छ भारत आंदोलन दिख चुका है वहाँ पे, because they had what? They had pipe toilets, sanitation etc. That was a real civilization or not? तो ये what, when, why, where, how वाला हुआ तुम्हारा. अब इसी dimension को तुमको expand करना है, ठीक है. Now I told you arguments and counter arguments वाली चीजें भी, ठीक है. आप या तो कंफर्म कर सकते हो या मिडिल पाथ भी ले सकते हो.
उसको भी ब्रेक करो यहां पर पे बॉडी पार्ट में ही, ठीक है, कि कैसे, मतलब इफ यू आर अग्रीइंग विद द स्टेटमेंट क्या क्या उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसमें फिर आप व्हाट व्हाई व्हेन हाउ लगा सकते हो, ठीक है। इफ यू आर नॉट अग्रीइंग विद द स्टेटमेंट देन क्या क्या लगा सकते हो, इफ यू आर टेकिंग अ मिडिल पाथ देन व्हाट व्हेन हाउ लगा करके बता सकते हो, हुआ आपका ये। तो ये आपका मेन बॉडी की तरफ जा रहा है चीजें, ठीक है। इसमें आप व्हाट व्हेन हाउ जब आपने कर लिया, अब आपको एक डिसीजन भी लेना है इसमें कि आप अल्टीमेटली किस साइड को सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो जब आप बॉडी बना रहे हो तो यू हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन दैट यू आर एबल टू सपोर्ट योर डिसीजन एज वेल। ये थोड़ा बॉडी लिखो आप लोग 5 मिनट। आई गेव यू एनफ ऑर्डर, आर यू कंफर्टेबल थिंकिंग फॉर द बॉडी, थोड़ा सा लिखिए आप बॉडी में जो मैंने बताया है डिसइंटरेस्टेड क्यूरियोसिटी के बारे में, बॉडी में क्या डायमेंशन डालोगे, कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स व्हाट व्हेन हाउ एंड दोस थ्री आर्ग्यूमेंट्स सपोर्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट अगेंस्ट द स्टेटमेंट एंड अ मिडिल पाथ टू द स्टेटमेंट। सोचने में इजी लगता है, लिखने में बैंड बचती है थोड़ी सी, ठीक है, लिखिए।
नहीं आ रहा अगर दिमाग में, तो अगेन गो बैक टू बेसिक्स, थ्री अप्रोचेस, टाइमलाइन, ह्यूमन, कंटेम्प्रेरी, उसमें भी मोल्ड करके व्हाट व्हेन हाउ ला सकते हो आप लोग। किसका? अच्छा देखो, इनका ट्रांसलेशन यूपीएससी का बेकार होता है, बट ये है कि निष्काम, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा असली सभ्यता का जीवन रस है। निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा, भाई यूपीएससी ने लिखा है यथार्थ, रियल का वो मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। असली या बेस्ट सिविलाइजेशन या उत्कृष्ट सभ्यता का जीवन रस है, ठीक। आप लोग गलत लिखो सही लिखो, बस लिखो। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग, वो जो जंग लगी है ना, यू हैव नॉट रिटन एन एसे इन इन सच अ लॉन्ग टाइम, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। जो भी आ रहा है दिमाग में लिखो, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। टॉप, क्या डिफिकल्टी आई? मतलब मैंने अगर बॉडी डिस्कस भी की, हिंट भी दिया, व्हाट वाज द डिफिकल्टी इन राइटिंग एन एसे? हैं, स्ट्रक्चरिंग की। इसके पहले तक तो आप लोग एब्स्ट्रैक्ट ऐसे सोच, मतलब किसी भी डायरेक्शन में नहीं सोच पा रहे थे। नाउ यू नो व्हाट शुड बी योर इंट्रोडक्शन, यू नो नाउ, यू नो द विजन, सब में विजन ढूंढना है आपको, ठीक है। फिर सेकेंड पैराग्राफ में विजन जैसे ही एंड होता है, ठीक, विजन भी एक दो पैराग्राफ का भी हो सकता है, तीन पैराग्राफ का भी हो, बट मेक श्योर इट इज नॉट मोर देन 1.5 पेजेस, 150 वर्ड्स के बियॉन्ड का विजन नहीं होना चाहिए। देन सेकेंड पैराग्राफ इज वॉट, 50 वर्ड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ ऑनवर्ड्स यू स्टार्ट ब्रेकिंग, उसको बॉडी पार्ट्स में ब्रेक करो और ज्यादा, ठीक है। योर आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स विथ लॉट ऑफ डेटा, फैक्ट्स इन सपोर्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट और द मिडिल पाथ, सब दिखाना है आपको, सारे डायमेंशंस दिखाने, बंद के मत रखो खुद को, ठीक है। वो कहां से ला रहे हो आप डेटा, फैक्ट्स एंड ऑल, व्हाट व्हेन हाउ वेयर वाले उससे चीजें ला रहे हो, इसी के अलोंग आपको पूरा एक्सपेंड करना है, ठीक है। कितने वर्ड्स हो गए? 150, 50, 200, ठीक है। ये व्हाट व्हेन हाउ में आपके निकल जाएंगे 600-700 वर्ड्स, मान के चलो आप, बिल्कुल हो गए 900 वर्ड्स। अब आपको कंक्लूजन की तरफ जाना है, या आपको एक डिसीजन लेना है, वो 200 वर्ड्स का लिखोगे, 150 वर्ड्स का हो गया 1100 वर्ड्स, इतना ही ऐसे लिखना है, हो गया आपका अमूर्त, ऐसे को मूर्त बॉडी मिल गई। कंक्लूजन में कहाँ जाओगे इसके? मान लो इफ यू हैव रिटन द बॉडी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कल लिख के लाओ
आई विल चेक सम 4-5 एसेज इन द क्लास, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क, लिख के लाओगे कल आप लोग? बट अभी अभी इसमें बताओ, कंक्लूजन में कहाँ जाएंगे हम? डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी, आई गेव यू एम्पल हिंट, विजन में ही था, कंक्लूड कहाँ करोगे बताओ? को मैचिंग करनी है आपको, ठीक है? तो गिव एग्जाम्पल्स यहाँ पे कंक्लूड करते हुए। या ठीक है, ओके ओके, सो यू कैन राइट दैट इन इंडिया वी वी सी द मिक्स ब्रीड ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट, ठीक है? वी आर सेटिंग टारगेट्स दैट बाय 2070 वी वांट टू बी व्हाट? कार्बन न्यूट्रल। एंड फॉर दैट यू नीड लॉट ऑफ इंटरेस्टेड क्यूरियोसिटी इन ऑर्डर टू डेवलप ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ग्रीन वे ऑफ लाइफ, एंड दैट्स व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज आस्क फॉर व्हाट? लाइफ। लाइफ दिया है स्टेटमेंट, क्या है उसका फुल फॉर्म? लाइफ फॉर एनवायरमेंट, ठीक है? तो ये एक एग्जाम्पल आप कर सकते हो। दूसरा बता सकते हो इंटरेस्टेड इंक्वायरी में क्या? यू नीड टेक्नोलॉजी, यू नीड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, ग्रीन न्यूक्लियर यूजेस, ई कार्स एटसेट्रा। फॉर दैट यू नीड लॉट ऑफ अलायंसेस, इंटरेस्ट बेस्ड ट्रीटीज एंड ऑल। दैट इज वाई इंडिया इज गोइंग फॉर वॉट? क्वाड एटसेट्रा, ताकि सप्लाई चेन दुरुस्त हो, ठीक है? ताकि वी गेट ऑल दी इंग्रीडियंट्स फॉर ग्रीन एनर्जी एंड ऑल, ठीक है? ये बता सकते हो। बट एक एग्जाम्पल आपको थोड़ा सपोर्ट में भी देना चाहिए डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी का। हाँ कह सकते हो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। वो कहीं और जा रहा था बट पहुंच गया इंडिया। हाँ यू कैन गिव एग्जाम्पल, एनी अदर एग्जाम्पल? क्या अमर्त्य सेन का, तो उनका क्या इससे क्यूरोसिटी से क्या? ही बिकेम एन इकोनॉमिस्ट इवेंचुअली, दे सकते हो इफ यू आर एबल टू लिंक इट। डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी, ओके ठीक है। हाँ इसमें फिर न्यूटन, न्यूटन पे जा सकते हो। एप्पल गिरा, वो तो नहीं चाह रहा था एप्पल गिर जाए, वो तो गिरा बाई चांस, ठीक है? तो ये आपके ये पूरा एक प्रॉपर ऐसे हुआ 100 से 1000 से 1200 वर्ड्स का। दिस इज योर होमवर्क, कल आप लोग लिख के लाइएगा एंड वील गेट बैक टू इट, ठीक है? आर यू कंफर्टेबल नाउ विथ फिलोसॉफिकल ऐसे? सो राइट अनदर टॉपिक फॉर ऐसे। वील डू दिस काइंड ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग इन नेक्स्ट टू सेशन ऑल्सो। वर्ड्स आर डबल एज्ड स्वॉर्ड, वर्ड्स आर डबल एज्ड स्वॉर्ड, ठीक? सोचो 5 मिनट, एनलाइटन मी ऑल्सो। विजन ध्यान रखो, हमको विजन बताना है अभी। और इससे क्या समझ में आया है? शब्द दो धारी तलवार है, पेन इज माइटियर देन सॉर्ड। इससे मिलता जुलता, बट उसका डायमेंशन थोड़ा सा अलग जाएगा, बट इससे मिलता जुलता ऐसे जो यूपीएससी में आ चुका है, पेन इज माइटियर देन सॉर्ड, दोनों है वो चीज। देखो ये सब कहानी है, ठीक है? इफ यू आर एबल टू कन्विंस मी विथ अ गुड स्टोरी, आई विल डेफिनेटली बाई अ टिकट, बी 2000 बक्स और 5000 बक्स। वो आपको कन्विंस करना है कि मैं मेरा पैसा उसमें लगाऊं कि नहीं लगाऊं। इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव, ठीक है? इसलिए करण जौहर की मूवीज आजकल नहीं चलती हैं, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू सेल द नैरेटिव, ठीक है? साउथ मूवीज आर डूइंग गुड बिकॉज दे आर एबल टू क्रिएट अ ग्रैंड पिक्चर अराउंड इट, ठीक है? वो कल्चर भी दिखाते हैं उतनी खूबसूरती से। सो यू हैव टू टेल दैट स्टोरी, ठीक है? तभी एग्जामिनर नंबर देगा, और देते हैं, बिल्कुल नंबर देते हैं। सोशियोलॉजी वाले कितना पढ़ लिया है? सोशियोलॉजी स्टार्टेड, ओके, पहले पढ़ा है कभी सोशियो? एंड पॉल साइंस कितना हुआ है? लाइक डू यू सी दैट ऑन टैबलेट? हैं जो पॉल साइंस, आप सबका पॉल साइंस है? क्या चल रहा है अभी क्लासेस पॉल साइंस में? हैं
जुलाई से स्टार्ट होगा। अच्छा ओके स्टार्ट होता तो आई वुड हैव टेकन डाउट्स इन पॉल साइंस। सोशियो का आप पूछ सकते हो मेरे से डाउट अगर कुछ है अभी तक। तो सोचो विजन बताओ मुझे इसमें। सबसे पहले बताओ ये कौन कैसा स्टेटमेंट है, लाइक यू कैन अग्री हियर होल हार्टेडली और यू हैव समथिंग एल्स ऑल्सो इन योर माइंड। मतलब इसके कई डायमेंशन हो सकते हैं। ये बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट है अगर तुम देख रहे होगे कि दो धारी तलवार है, मतलब दिस इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, बट कैन यू थिंक अलोंग द लाइन कि समटाइम्स डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो गुड। इफ यू आर नॉट एबल टू डिस्ट्रक्ट समथिंग देन हाउ विल यू गो ऑन टू क्रिएट समथिंग न्यू। किसी को गिराकर ही कुछ चीज नहीं बनती है, तो उस लाइन पे अगर देखोगे तो इट हैज अ पॉजिटिव डायमेंशन ऑल्सो। कैन यू ब्रिंग इन टू स्टोरीज और टू एनेक्डोट्स और सम कोट्स और योर ओन लाइफ एग्जाम्पल्स इन द स्टोरी विच हैज गॉट बोथ द एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बोथ। Can we take this if words used correctly, they won't be like a double-edged sword. And if used in a wrong sense, like if I get angry and say wrong words, या then it एग्जैक्टली will be destructive. And can we go in that direction? ठीक है, बट वो बॉडी पार्ट में आएगा, बेटर नहीं लगेगा अगर इफ यू आर मेकिंग अ डायमेंशन ऑफ सपोर्टिंग नॉट सपोर्टिंग मिडिल पाथ। आप बॉडी में बॉडी पार्ट में अगर करोगे तो दैट वुड बी अ ग्रेटर जस्टिस। आई एम आस्किंग अबाउट विजन। देखो नाक यहां से भी पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, बट स्टिक टू दिस पैटर्न तो जल्दी सोच पाओगे एग्जाम हॉल में, अदरवाइज इट विल बी अ वेरी हे वायर थिंग। सोच तो सब लेंगे एट द एंड ऑफ द डे। यू हैव टू डू दैट विद इन 30 मिनट्स एंड देन यू ऑल्सो टू जॉट डाउन योर थॉट्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो अपना स्ट्रक्चर यही रखो, विजन देन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया बॉडी देन टूवर्ड्स डिसीजन एंड कॉन्क्लूजन। एंड योर कॉन्क्लूजन शुड बी अ मिक्स ऑफ व्हाट यू स्टार्टेड इन योर इंट्रोडक्शन एज अ विजन। तो मुझे बताओ दो, मतलब मैंने इतनी सारी हिंट दी है। has brought about nationalism. वर्ड्स And in today's era, it can also bring communalism riots. ठीक है, गुड। It can lead them to the speech. बिल्कुल, मैं आना चाह रहा था उस पर पे, क्योंकि जब ये ऐसे आया था या आएगा, मैक्सिमम पीपल विल थिंक ओनली अलोंग द लाइंस ऑफ हेट स्पीच ओनली, कि शब्द दो धारी तलवार हैं तो सब सिर्फ हेट स्पीच तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। दे विल नॉट थिंक बियॉन्ड दैट। और जो लोग सिर्फ वो लिख के आएंगे, मान के चलो उनको 80 नंबर के ऊपर नहीं मिलेगा ऐसे में। एंड यू नो हाउ मच मैक्सिमम यू कैन गेट इन एन ऐसे, देर इज नो लिमिट। ठीक है, 150 भी आते हैं, 160 भी आते हैं। आई गॉट 160 और 162 इन 2014। इंटरव्यू कॉल नहीं आया उस साल, बट यू सो क्या था, मतलब यही है, डायमेंशन एक्सप्लोर करो आप। तो इंट्रो में मेरे दिमाग में जो आता है इसमें, देर आर टू स्टोरीज अराउंड इट। अगेन मेरा स्टोरी वाला पैटर्न होता है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ अ मूवी। मूवी का कोई एग्जाम्पल सोचो, रीसेंट मूवी जिस पे कंट्रोवर्सी हुई हो। हैं, आदि पुरुष है, केरला स्टोरी, या वेरी गुड एग्जाम्पल्स। सोच सकते हो, सोचो उस लाइन पे क्या, लेकिन उसको हेट स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में मत रखो। हेट स्पीच जस्ट वन इज जस्ट वन डायमेंशन, बट उसके बियॉन्ड कमेंट्री हाँ ठीक है, वर्ड्स आर डबल एज सॉर्ड। हाँ डेफिनेटली यू कैन, बट इसका इट्स फिर कोई पॉजिटिव एग्जाम्पल। So we can give example of Mahabharata, Yudhishthira's statement during During Drona's
statement क्या? about Aswath, that he said that he doesn't know if it's a man or elephant, but that made Drona to leave his weapons and they were able to kill him in that state. So his words that time changed the course of the war. ओके ठीक है, पॉजिटिव. ठीक है हाँ, बट इसमें वर्ड्स की बात, मतलब एक शब्द है बट इसमें वायलेंस ज्यादा हो रहा है ना. केरला स्टोरी का जो एग्जांपल है, तो वो यूज हो सकता है कि केरला स्टोरी के थ्रू हम उनको पता चल रहा है कि लव जिहाद हो रहा है कुछ लड़कियों का, तो वो मतलब पॉजिटिव सेंस में उसका ले सकते हैं कि उसको प्रिवेंट करने में कैसे हेल्प करेगा कि लोगों को रियलाइज हो रहा है कि हाँ लव जिहाद कुछ है. और पीपल आर गेटिंग दूसरा अवेयर लव जिहाद अबाउट में हो इट. सकता है कि कम्युनल ले सकते हैं कि ये प्रोपेगेंडा करने के लिए मूवी बनाने जा रहा या है. ठीक है, लिखो मेरे जहन में जो एग्जाम्पल्स हैं, एक है वर्ड्स आर माइट, वर्ड्स आर डबल एज सॉर्ड, तो एक वही महाभारत का रेफरेंस लिखो, द्रौपदी, वेन शी एक्सक्लेम्ड, अंधे का पुत्र अंधा. ठीक है, वेन शी एक्सक्लेम्ड दैट, द सन ऑफ अ ब्लाइंड किंग इज ब्लाइंड हिमसेल्फ. इट्स सेट इन मोशन, इन सेट इन, इट्स सेट इन मोशन द होल वॉर इन महाभारत. ठीक, बट ऑन द फ्लिप साइड व्हेन गौतम बुद्ध चैलेंज ब्राह्मणिज्म एंड गेव फोर नोबल ट्रुथ्स, ठीक है, हिज टीचिंग्स एक्टेड एज अ डबल एज सॉर्ड डिस्ट्रक्टिंग द ओल्ड एंड क्रिएटिंग द न्यू. डिस्ट्रक्टिंग द ओल्ड एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू. ठीक, दोनों व्यू हो गए आपके. वो नेशनलिज्म वाला भी आपका एग्जाम्पल सही था कि भाई अंग्रेज आए, वो सोच रहे थे कि हम पढ़ा लिखा के विल हायर सम क्लर्क्स, बट उसका अनइवन कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, पीपल बिकेम नेशनलिस्ट. ओके, सो इट वर्ड एक्टेड एज अ डबल एज सॉर्ड. ठीक है, ऑन वन हैंड दे स्ट्रेंदन द सॉर्ट ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, बट एट द सेम टाइम इट ट्रिगर्ड समथिंग विच वेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इटसेल्फ. ठीक है, अब इसके डायमें, अब सेकेंड पैराग्राफ में आइए, इसको आपको एक्सप्लेन करना है. अब वर्ड्स के क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं सोचिए, इफ यू हैव टू. एक चीज और इसमें एग्जांपल दे सकते हो, हैव यू हर्ड अबाउट अरब स्प्रिंग? तो एक ट्वीट था उस पे, आई एम गोइंग टू तहरीर स्क्वायर, एक बंदे ने ट्वीट किया था ये, एंड सी एवरीबडी गैदर्ड इन इजिप्ट अराउंड तहरीर स्क्वायर एंड दैट थिंग क्रिएटेड अ होल रेवोल्यूशन ऑफ अरब स्प्रिंग इन इजिप्ट. वर्ड्स कैन बी डबल एज सॉर्ड, था ये डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड क्रिएशन ऑफ न्यू. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और लिखिए, तहरीर स्क्वायर द ट्वीट वॉज आई एम गोइंग टू तहरीर स्क्वायर टूमोरो.
ठीक है, और इस ऐसे को ना बहुत ज्यादा ह्यूमन अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थिंक कि किन किन के शब्दों ने अच्छा किया है और किन किन के शब्दों ने बुरा किया है। सोचो किन के शब्दों ने अच्छा किया है। एडवोकेटेड वायलेंस फॉर फॉर डिस्ट्रक्शन इन बैड। ठीक है, और सोचो। क्या उसमें एग्जैक्टली जो वर्ण अवस्था थी, वर्ण सिस्टम था, उसका रिप्रेजेंटेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया, एंड इट कन्वर्टेड इनटू एन इमोबाइल जाति व्यवस्था इन इंडिया। ठीक है, इसका एक और चीज मुझे ध्यान आता है, लाइक हाँ ये देखो, ऐसे बात करते करते चीजें आती हैं। एक चीज बोली जाती है कि लैंग्वेज या वर्ड्स आर नेवर न्यूट्रल। ठीक है, क्यों? इसीलिए एक आई होप आई एम राइटिंग स्पेलिंग करेक्ट। ये इरेजर कहाँ पे, इसका हर्म्यूनेटिक्स। ठीक है, ये भी आप एक विजन से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें व्हाट इज हर्म्योनॉटिक्स, हैव यू हर्ड अबाउट इट? तो क्या होता था, नारद भगवान का नाम सुना है? ठीक है, तो नारद भगवान जा जाके नारायण नारायण करते हुए सब सुनाते थे। बट डिड ही एवर टेल समथिंग डायरेक्टली? जितना टीवी सीरियल देखा होगा मैंने, जितना देखा है बचपन में, वो और उनके अर्थ में अनर्थ होता था और अनर्थ में अर्थ होता था। देर ऑलवेज यूज टू बी टू मीनिंग्स अटैच टू इट। इट वॉज ऑलवेज फॉर द कंसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन टू डी कोड द इंफॉर्मेशन। दिस इज हर्म्योनॉटिक्स। क्या होता था हर्म्योनॉटिक्स में, दैट गॉड यूज टू सेंड हिज मैसेजेस टू द मैसेंजर डाउन ऑन अर्थ कि तुम उसको डी कोड करके मेरे मैसेज को लोगों तक पहुंचाओ। देन इट वॉज नॉट ऑलवेज ईजी उसको इंटरप्रेट करना। तो गॉड कुछ और बोलते थे, लोग कुछ और समझते थे, मैसेंजर कुछ और बताता था। दिस इज वॉट हर्म्योनॉटिक्स इज, टेलिंग द लैंग्वेज इन सिंबल्स, कन्वेइंग द मैसेज इन सिंबल्स। दैट इज वाई लैंग्वेज इज नेवर न्यूट्रल, देयर इज ऑलवेज सम कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व इन दैट। राइटर ने क्या बोला, क्या वो जो बोल रहा है इज ही एबल टू राइट दोज थिंग्स परफेक्टली इन वर्ड्स? क्योंकि कई बार वर्ड्स भी इन्वेंट नहीं होते। इफ आई हैव अ सर्टेन फीलिंग एंड देर इज अ नो वर्ड, देर इज नो वर्ड टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग, तो मैं कुछ किसी और शब्द से काम चला रहा हूंगा। आई यू गेटिंग इट? सो हर्म्योनॉटिक्स जो है, इसी साइंस को, इसी चीज, लैंग्वेज को समझने को, कन्वे करने को हर्म्योनॉटिक्स बोलते हैं। एंड दिस एक्सेप्ट द फैक्ट दैट लैंग्वेज इज नेवर न्यूट्रल। लैंग्वेज कैन बी डिस्ट्रक्टिव, लैंग्वेज कैन बी कंस्ट्रक्टिव, लैंग्वेज कैन बी इंटरप्रिटेटेड इन मल्टीपल वेज, लैंग्वेज ऑलवेज इज लॉस्ट इन अ सिमेंटिक गैप, SEMANTIC गैप। ठीक है, हमने क्या बोला वहां तक कन्वे होते होते तक, लैंग्वेज इज ऑलवेज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। एक मूवी भी है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है इस चीज को बता रहा है, ये विजन हो सकता है आपका। गॉट इट? और इसमें क्या आप कर सकते हो, इसके और क्या डायमेंशन हो सकते हैं इस ऐसे के, थोड़ा सा सोचिए। एग्जैक्टली हाँ, एक एक ये डाल सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियर डायमेंशन डाल सकते हो। राइट टाइम, सही समय पर सही ऐसी वाणी बोलिए, क्या है, मन का आपा खोए, आपको भी शीतल करे और रहूं शीतल होए। लिख लो ये, सी आई हैव कम ब्लैंक टू दिस क्लास। ठीक है, मेरे यही थॉट जो भी है, थोड़ा बहुत सोचा था सवेरे उठ के, बट देन सी दिस इज हाउ थिंग्स कम, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट एन एसे, बट उसको ऑर्गेनाइज करो। आई एम अभी मैं विजन में ही चल रहा हूँ,
विजन के एग्जांपल्स चल रहे हैं, बट इससे आप बॉडी भी सब क्रिएट कर रहे हो आप, ठीक है। ऐसी वाणी बोलिए, क्योंकि तो मैं गूगल कर लेता हूँ कहीं गलत ना लिखा दूं। किसका दोहा है ये? हाँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, कौमा औरन को शीतल करे, आपहू शीतल होए। ठीक, अब हाउ व्हेन हाउ में राइट सम एग्जांपल्स इसके, हम किन का नाम दे सकते हैं। सोक्रेट्स, सोक्रेट्स का कंस्ट्रक्टिव एग्जांपल है, डिस्ट्रक्टिव एग्जांपल है, ठीक है। सोसाइटी के लिए कंस्ट्रक्टिव था, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव था। ही वॉज गिवन पॉइजन, ओके, क्या कंस्ट्रक्टिव था, मतलब ही यूज टू बी कॉल्ड वॉट, गैट फ्लाई, ठीक है। लिख लो, लिखते जाओ, ये सब थॉट्स हैं, ये रिपीट हो सकता है ये, एंड खासकर ओडिशा पीएससी में दे माइट पिक टॉपिक्स फ्रॉम यूपीएससी जो आ चुके हैं, ठीक है। ही वॉज नोन एज अ गैट फ्लाई। गैट फ्लाई क्या होता है? ऐसे भिन 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 करता रहता है इधर उधर, ठीक है। सो सोक्रेटिस वॉज अ गैट फ्लाई एंड ही यूज टू रोम अराउंड द होल एथेंस आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम पीपल। हिज वर्ड्स यूज, लिख लो चलो, ही वॉज अ गैट फ्लाई asking difficult questions from the people, and he never gave any answers. ठीक, लिखो, थ्रू दिस ही वॉज ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू विजन फॉर द सोसाइटी। अब वर्ड्स जो मैंने बोला, वर्ड्स आर माइट डबल एज सॉर्ड। वर्ड्स को आप क्या क्या, वर्ड से क्या क्या चीजें हो सकती, निकल सकती हैं, अगर आप डायमेंशन सोचो तो। स्पीच, कम्युनिकेशन, ठीक है, और वर्ड्स आपकी मेंटालिटी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, पर्सनालिटी, मेंटालिटी, लिखो वो भी डायमेंशन। ये सब मैं बॉडी के लिए आपको चीजें बता रहा हूं सोचने के लिए, कि वर्ड्स को जब आप डिस्क्राइब कर दोगे सेकंड पैराग्राफ में, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वर्ड्स, देन यू कैन एक्सपैंड ऑन दोज लाइंस, कि वर्ड शोज मेंटालिटी, वर्ड शोज स्पीच, वर्ड शोज योर वर्ल्ड व्यू, आप क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में, ठीक है। जो सोचते होगे वही बोलोगे, कुछ उल्टा तो बोल नहीं दोगे, ठीक है। मेंटालिटी, मेंटालिटी का एग्जाम्पल बता सकते हो कुछ? Like if you have to expand on this dimension of mentality or your world view, ठीक है, example, he questioned existence of God, but positive optimistic क्या हुआ यहाँ पे? चार्वक क्या ने तो बताया है कि मौज करो, वो फिलॉसफी है उसकी, हिज फिलॉसफी इज ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो है यही है, कुछ लेकर नहीं जाओगे, तुम मजे करो यहां पे, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, ओके, डालो। मैं थोड़ा कुछ, आई वॉज थिंकिंग गांधी वर्सेस आंबेडकर डाल सकते हो मेंटेलिटी में, because you that you can link with double edged sword also, ठीक है। गांधी की mentality अलग थी, he was supporting one व्यवस्था, he was supporting Hinduism,
ठीक है, एंड देखो हिज सपोर्ट फॉर दोज थिंग्स इज एक्टिंग एज अ डबल एज्ड सॉर्ड इन इंडिया एज ऑफ नाउ. ठीक है, वी आर सीइंग अ वेरियंट्स ऑफ हिंदुइज्म, वी आर सीइंग द वेरियंट्स ऑफ वर्ण व्यवस्था स्टिल एग्जिस्टिंग इन इंडिया. एज अपोज टू दैट, दी मेंटेलिटी और द वर्ल्ड व्यू ऑफ आंबेडकर वॉज रियली डिफरेंट. ठीक है, एंड थ्रू दैट ही वॉन्टेड वॉट, एनहाइलिएशन ऑफ कास्ट, एनहाइलिएशन ऑफ ब्राह्मणवाद एंड ऑल. ठीक है, तो उनका डबल एज्ड स्वॉर्ड किस तरीके से चला या उन्होंने कैसे डिस्ट्रक्शन किया. ही गेव सर्टेन राइट्स टू दलित अनटचेबल्स एटसेट्रा, ही बैनिस्ड अनटचेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 17. लिंक हुई चीजें, एक्सपैंड करने के लिए कुछ आ रहा है आपको बॉडी में. ठीक है, डबल एज सॉर्ड से भी क्या क्या मीनिंग आ सकती है. और अगर हाँ, एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट, या मॉडर्न टाइम्स में आप इस्लामोफोबिया का एग्जांपल दे सकते हो. क्यों, मॉडरेट्स का जो वर्ल्ड व्यू है अलग है इस्लाम में. जो एक्सट्रीमिस्ट हैं दे हैव डोमिनेटेड द होल वर्ल्ड व्यू ऑफ इस्लाम. दैट्स व्हाई वी सीइंग इस्लाम राइज ऑफ इस्लामोफोबिया, बी इट वेस्ट बी इट ईस्ट. हो गया एक डायमेंशन. टेररिज्म, रिक्रूटमेंट ऑन सोशल मीडिया. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, एलॉन मस्क का दे सकते हो सोशल मीडिया से रिगार्डिंग. इसके पहले कोई और बंदा था, वर्ल्ड व्यू कुछ और था ट्विटर का. नाउ द ट्विटर्स वर्ल्ड व्यू इज होल्ड कमर्शलाइजेशन, सो इट्स अ डेन ऑफ हेट स्पीच नाउ. ठीक है, डबल एज सॉर्ड में क्या क्या डायमेंशन आप. धर्म के बाबत में जो बोलने वाले थे वो सब लगभग सेम ही बोला, और जीसस हो, मोहम्मद हो, कृष्णा हो, गुरु नानक पर सुनने वाले वो सब अलग थे, सुनने वाले अलग थे, इसलिए धर्म में विवाद दिख रहा है, इंटरप्रिटेशन अलग दिख अलग रहा है दिख रहा है. और सेक्स बन रहा है यार. ठीक है, हर्मेनोटिक्स वहां लगा दो इस एग्जाम्पल को. वो जो आप बताया इन्होंने, दैट एवरीबडी कंसीव्स द नॉलेज डिफरेंट वे. डबल एज के क्या डायमेंशन हो सकते हैं. या एग्जैक्टली डिप्लोमेसी बता सकते हो. जयशंकर जी का एग्जाम्पल दे सकते हो, ही इज वेरी शार्प विटेड नाउ अडेज. बट ये सब आपको ऑर्गेनाइज करके लिखना भी है, एग्जाम्पल्स तो बहुत आ रहे हैं. डबल एज से क्या क्या डायमेंशन आ सकते हैं. लिखो, डबल एज मे इंप्लाई व्हाट, डुअल नेचर, ठीक है, डुअल नेचर किस चीज का हो, किसी भी चीज का हो सकता है. न्यूक्लियर पावर, डुअल नेचर, इट कुड बी हेल्पफुल ऑल्सो, इट कुड बी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो. फ्लड्स आई हुई है अभी, वाटर का डुअल नेचर है, इट इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ योर लाइफ, बट वेन इट फ्लड्स या इट कुड बी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो. वाटर का हो गया डुअल नेचर. तो ये सब ऐसे सोचना है आपको. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डुअल नेचर, देन गुड वर्सेज ईविल बता सकते हो. बताओ गुड वर्सेज ईविल. डू Can we use the recent example of proud and exciting themes as the motive? You are actually addressing two particulars, but that has been construed as inserting the whole community. हाँ तो, हाँ बता दो वो डेफिमेशन लॉ. बट उसको लिंक लिंक कैसे करोगे, मतलब. या ठीक है, इट इट एक्टेड एज अ डबल एज शॉर्ट फॉर हिम. ही डिड नॉट अंडरस्टूड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज वर्ड या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. ठीक है, संयम नहीं बरता. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, लिखो वहां पे इंटरप्रिटेशन वर्सेस मिस इंटरप्रिटेशन, वो भी एक डायमेंशन हुआ डबल एच का.
गुड वर्सेस इविल कर लिया हमने, ठीक है। हाँ डालो डालो, डबल एच का और क्या हो सकता है इंटरप्रिटेशन? तो सेग्रीगेशन में हम कर सकते हैं सोशल का, हाँ करो, एग्जांपल्स डाल देना वो सब चीजें। सेग्रीगेशन वर्ड्स ही तो बताया ना, मेंटालिटी, वर्ल्ड व्यू, मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट। वर्ड्स आ कहां से रहे? इट्स जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। एक एक स्टेटमेंट है, एक श्लोक है, मतलब अभी मैं लिखा दूंगा वो। अभी मॉरल वर्सेस इमोरल लिखो ड्यूअल नेचर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डालो। वही बता रहा हूं मैं अभी। वर्ड्स आर व्हाट? वर्ड्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट, ठीक है। ये थॉट आया होगा ना किसी के कि हमको न्यूक्लियर पावर बनाना है और वी हैव टू गेट इनटू ओपेनहाइमर, ठीक है। उसने सोचा, हाउ ही इज मैनिफेस्टिंग दोज थिंग्स? बाय राइटिंग फॉर्मुलेस, ठीक है, बाय गिविंग अ थ्योरी आउट ऑफ इट। तो वर्ड्स को आप लिटरल उसमें बॉक्स मत करके रखो कि सिर्फ बोलना, वर्ड्स कहीं से आ रहे हैं। वर्ड शोज योर वर्ल्ड व्यू, योर मेंटेलिटी, हाउ यू परसीव द रियालिटी अराउंड यू, हाउ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दैट रियालिटी, ठीक है। सो लिख लो इसको, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लिखो वर्ड्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स। ये जब हम बॉडी स्टार्ट करेंगे ना, तब आप समझा देना वर्ड से आप क्या समझ रहे हो, तब फिर आगे इन डायमेंशंस को ओपन करना, ठीक है। लिखो वर्ड्स आर एन आउटकम, वर्ड्स आर एन आउटकम ऑफ योर मेंटालिटी, ऑफ योर वर्ल्ड व्यू। ठीक है लिखो, वर्ड्स आर एक्सप्रेशंस ऑफ योर थॉट। ठीक है लिखो, एक श्लोक लिख लो, परापश्यंती बैखरी, परा पश्यंती बैखरी, बैखरी नहीं होगा, वैखरी होगा। ठीक है, देयर आर, ये लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं। देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सप्रेशंस, ओके। कुछ एक एक्सप्रेशंस होते हैं जो मन में रह जाते हैं, ठीक है, मतलब बस आते ही हैं, दे आर नोन एज परा। पश्यंती इज वॉट? मन में आते हैं, बट यू ऑल्सो हैव एन इंटरनल डायलॉग विथ योर सेल्फ, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट आउटसाइड, दैट इज पश्यंती। वॉट इज वैखरी? एनी थिंग विच इज ऑल्सो एक्सप्रेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड इन फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, दोज आर वैखरी। ठीक है, तो वर्ड्स की आप एक इंट्रोडक्शन में आप समझा सकते हो कि वर्ड्स इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट, बट थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग एट अ लॉट ऑफ लेवल। कहाँ कहाँ पे? एक तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस एक थॉट आया आके चला गया। एक है जब आप इंटरनल डायलॉग भी कर रहे हो उससे, एक है जब वो इंटरनल डायलॉग करके यू आर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स इन द फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, वर्ड एक्सप्रेशन, दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ वोकैबुलरी, इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स, दैट इज अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स। ओके, तो लिख लो, परा पश्यंती वैखरी, विच इंप्लाइज दैट देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग।
But the ultimate level is speech act. ठीक, which is vakri means speaking, using the words. ठीक है, लिखो words are words are ultimate manifestation of your thought. ठीक है, लिखो in Indian tradition we call it, in Indian tradition we call it मनसा वाचा. मनसा वाचा, वर्ड्स आर मैनिफेस्टेशन फॉर आवर थॉट्स बट कनेक्टिंग दैट साइकिक थॉट विद टू वर्ड्स टू डायरेक्ट कंक्लूजन रिगार्डिंग दिस एसे इज अ फार फेच इजंट दैट ज्यादा. मैंने आपको सोचने बोला है, दो चार डायमेंशंस दे दो, उसमें बहुत मत घुसो, लेकिन डायमेंशंस तो देने पड़ेंगे आपको ना. क्यों नहीं होता, वर्ड्स ही तो आते हैं. किसी ने इनफाइनाइट देखा है? देखा है इनफाइनाइट, लेकिन सिंबल बना के रखा तो है, वर्ड्स ही तो हैं. लाइक कैन यू एक्सप्रेस व्हाट इज इनफाइनाइट? But you keep using that in your mathematical formulations, in solving your integration, differentiation thinking. Zero से infinite लगाते हो कि नहीं लगाते हो? Philosophy में थोड़ा philosophy झाड़ सकते हो. There is no harm in that. पूछा क्यों philosophy फिर उन्होंने? डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो. Good point. लिख लो वो dimensions भी. कॉन्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल. ठीक है, जुडिशरी गोइंग टू फार इन इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे और एक सोक्रेट्स का लिखा था हमने, एक आप लिख लो प्लेटो डायलॉग्स, प्लेटोज डायलॉग्स. वो हमेशा वर्ड्स के फॉर्म में डायलॉग्स, मतलब लिख लो डैश करके डायलेक्टिक्स. डायलेक्टिक्स, ओके, इसको उसने डायलेक्टिक्स बोला. फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो वॉल्टेयर का. ठीक है, वॉल्टेयर, VOLTIRE. वोल्टेयर कहता है एवरीबडी शुड हैव अ अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच. इट्स अप टू यू वेदर यू अग्री और नॉट अग्री. ठीक है, अग्री अग्री नहीं होना, डिसअग्री होना, इट्स योर थिंग टू डू, बट एवरीबडी कैन हैव एक्सट्रीम राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, डबल एज स्वॉर्ड में आप एक लिंक कर सकते हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो. लिख लो वो भी डायमेंशन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. इसको आप ना टुवर्ड्स कंक्लूजन में डाल सकते हो कि सिंस वर्ड्स आर डबल एज सॉर्ड, दैट इज व्हाई देयर इज अ प्रोविजन फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन योर स्पीच. ठीक है, यू कैन नॉट, माय प्राइवेसी, लाइक योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड्स वेयर माय प्राइवेसी स्टार्ट्स. ठीक है, ठीक, या फिर योर इंटरफेरेंस एंड्स वेयर माई बॉडी स्टार्ट, ऐसा कुछ करके तुम कंक्लूजन में जा सकते हो. ठीक है, या फॉर दैट मैटर गुड वर्सेस इविल का भी तुम इसमें कंक्लूजन में डाल सकते हो. दैट
destruction can happen only to an extent that ultimate objective of construction is met. सिर्फ destruction ही हो रहा है, ठीक है, रातों रात तुमने demonetization कर दिया और पूरी economy की band बज गई दो साल तक. तो it was actually more in a negative direction rather than in a positive direction. Till now the Indian economy has not been able to recover. ठीक है, so वो जो restriction या सब conclusion में डाल सकते हो ये सब चीजों को, ये सब examples. डीमोनेटाइजेशन का मत डालना, थोड़ा सा वी डोंट टॉक अबाउट दैट. कुछ और डाल सकते हो कि सोचा कुछ और हो गया. हाँ, वो डबल एस स्वॉर्ड वाले में वो डाल सकते हो, इंडियाज मिशन इन श्रीलंका, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस. दैट इज अ वेरी रैशनल एंड रीजनेबल एग्जाम्पल. वी वेंट विथ सर्टेन अदर मोटिव ऑफ डिस्ट्रक्टिंग समथिंग एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू. ठीक है, तमिल सिन्हाला तमिल्स को जस्टिस दिलवाने to recreate Sri Lankan society, but we ended up burning our own fingers. We lost a prime minister in that process. ठीक, वो example डाल सकते हो इसमें. नहीं, वो तो फिर उनका भी था, श्रीलंका वालों का भी, वो बुला ही रहे थे, आओ स्वागत है आपका, but they had something planned. Operation Blue Star, exactly. ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार. मार्टिन लूथर किंग का एग्जाम्पल लिख सकते हो, थ्रू हिज वर्ड्स ही क्रिएट है, हाँ, पूरा लिबरेट, आई हैव अ ड्रीम एंड ऑल दैट. और एक ये एग्जाम्पल दे सकते हो, नागार्जुन का हरिजन गाथा. नागार्जुन हरिजन गाथा, ठीक, ही रोड दीज थिंग्स टू दलितों की कॉन्शियसनेस जगाने के लिए कि आपके साथ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं. तो देखो यहाँ पे वर्ड्स का कितना पावरफुल इंपैक्ट है. ठीक है, आंबेडकर का एग्जांपल दे सकते हो. ठीक है, ही इज नोन एज व्हाट, मसीहा ऑफ दलित्स एंड अनटचेबल्स. हिज राइटिंग्स, हिज वर्क एक्चुअली एक्टेड एज अ double edged sword. It destructed a lot of stuff which was happening in Indian society back then. It created a positive environment for SC STs in modern India. ठीक है, तो अम्बेडकर का लिख सकते हैं example. Conclusion में वही सब जो बताया मैंने, reasonable restrictions. ठीक है, and yin yang, every side has two coins. Therefore there is a provision of rationality, reasonability. पे आप कंक्लूड करो कुछ, अगर एनेक्डोट हो या स्टोरी हो इससे रिलेटेड वो डाल सकते हो इसमें. ठीक है, डाल दो इंट्रो में डाल सकते हो ये चीज, स्पोकन वर्ड की इंपॉर्टेंस. ठीक है, आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशियंट. अब मान लो ऐसे आया है, ऐसे कोई, दिस वॉज एब्स्ट्रैक्ट, आप सोच सकते हो इतने डायमेंशन में. आर यू कंफर्टेबल नाउ ऑफ ओपनिंग अप एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे? ठीक है, विजन, एक्सप्लेनेशन, बॉडी आप एक्सप्लेनेशन के अराउंड कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड देन टूवर्ड्स कंक्लूजन. ठीक है, आप पहला वाला ऐसे कल लिख के लाओगे. अभी हमारे और क्लास है ना इसके बाद, तो अभी ब्रेक होता है, हैं, होता है, चलो टेक एन हाफ, टेक अ हाफ एन आवर ब्रेक, देन वील स्टार्ट. अगर होगा तो हम फेमिनिज्म पे वील स्टार्ट एन एसे, वील ट्राई टू फिनिश इट टुडे, वरना हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलिए टेक एन हाफ एन आवर ब्रेक. Substantive justice. कई बार हम we are bound by rules लिख सकते हो dimension भी. इसका एक अच्छा term है act utilitarian versus rule utilitarian. But वो थोड़ा ज्यादा jargon हो जाएगा, उसको समझाना पड़ जाएगा examiner को. हाँ जी,
बट एसेज आर ऑलवेज नॉर्मेटिव ना. एक आप स्पेशली जब तक आप ऑप्टिमिज्म में एंड नहीं करोगे तो ऐसे की क्वालिटी क्या है. लाइक यू थ्रू आउट द आर्ग्यूमेंट्स यू आर शोइंग बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन, बट एज अ ह्यूमन यू वुड डेफिनेटली वॉन्ट समथिंग बेटर इन फ्यूचर. ठीक है, तो फ्यूचर आपने कुछ ज्यादा नहीं मांगा, ये ओवर एक्सपेक्टेशन क्या है. पास्ट में एग्जाम्पल्स रहे हैं वेन वुमेन एंड मेन वेर एक्चुअली इक्वल. इनफैक्ट वुमेन हैड अ बेटर पोजिशन एज कम्पेयर टू मेन. ठीक है, जैसे सतवाहना डायनेस्टी की अगर आप सुनोगे तो गंगा पुत्र बोलते हैं उनको. ठीक है, तो दैट वॉज अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी. ठीक, गौतमी पुत्र दैट वॉज अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी. तो वो कुछ एक्सट्रीम नहीं मांग रही हैं विमेन. ठीक है, एंड हाउ कम ट्रीटिंग समबडी इक्वल बोथ सेक्स इज इक्वल इज एन एक्सट्रीम आइडिया. इट्स नॉट एन एक्सट्रीम आइडिया. हाँ, कल को अगर बोले कि भाई एनिमल राइट्स आर ऑल्सो ह्यूमन राइट्स, दैट कैन बी दैट कुड बी एन एक्सट्रीम आइडिया फ्रॉम टूडेज पॉइंट ऑफ व्यू. बट यू नेवर नो, आधे लोग वीगन हो ही रहे हैं धीरे धीरे. बट देन अ लॉट ऑफ फूड प्रैक्टिस आर ज्योग्राफिकल बेस्ड, ज्योग्राफी बेस्ड. ठीक है, कैसे किसी वेस्ट बंगाल वाले को बोल दोगे कि भाई मच्छी मत खाओ. तो कैसे यू कैन इक्वेट ह्यूमन राइट्स ऑफ मेन एंड एनिमल्स, वो आप फिर आप डिबेट करके छोड़ सकते हो. वो कंक्लूजन में यू लीव द क्वेश्चन टू द एग्जामिनर टू थिंक एंड पॉन्डर अबाउट. या इंट्रोडक्शन में भी आप ये डाल सकते हो टू मेक योर एसे मोर क्या बोलते हैं उसको, खलबली जगाने के लिए, एक्साइटमेंट जगाने के लिए, ताकि एग्जामिनर आपका ऐसे एंड तक पढ़े कि क्या इसने इस चीज का आंसर दिया कि नहीं दिया. तो इफ यू आर सेइंग ओवर एम्बिशियस, यू आर नॉट ओवर एम्बिशियस. यू लिंक इट टू एनिमल राइट्स एंड ऑल. एंड देन या तुम इस पे लिंक कर सकते हो कि टुडे व्हेन जेंडर इटसेल्फ इज नॉट स्टेबल, विमेन विमेन नहीं रह गई, मेन मेन नहीं रह गए, सारे दे हो चुके हैं आजकल. ठीक है, देयर इज एवरीबॉडी इज नॉन बाइनरी नाउ. दिस इज अ न्यू एवोल्यूशन इन जेंडर थियरीज. LGBTQAI++ सब चीज प्लस में जा रहा है. तो हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट सर्टेन राइट्स ओनली टू विमेन. ठीक है, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी आल्सो, दैट विद इन विमेन देयर आर सम विमेन हु आर मोर ट्रॉमेटाइज्ड, मोर एग्जॉस्टेड, या जिनका ज्यादा ऑपरेशन हो रहा है एज कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ अदर सेट ऑफ विमेन. तो ओवर एम्बिशियस तो नहीं हो रहे हम. डिमांडिंग, हाँ वो है, क्योंकि आप उसमें आपका फेमिनिज्म फिर डेरोगेटरी फेमिनिज्म है, आप पुरुषों को नीचा दिखा रहे हो. देन हाउ कैन दैट बी अ सस्टेनेबल सोसाइटी. ठीक है, ये तो बैलेंस अलग हो गया बस. ठीक, वो जो भी थे उनको आर्ग्यूमेंट कर लेना उनसे बैठ के. दोनों लिंक्ड हैं आपके. ठीक है, व्हेन यू आर ब्रिंगिंग इन सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस कि फ्यूचर शुड बी व्हाट, फ्यूचर शुड बी वेयर वुमेन हैव इक्वल राइट्स एज कंपेयर टू मेन, बिकॉज दीज ऑल आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स. एंड हिलेरी क्लिंटन हैज सेड वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स आर वुमेन राइट्स. ऐसे कुछ करके कंक्लूड कर दो. ठीक, मतलब लेकिन इंट्रो में आपने आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में एक लिंक होना चाहिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि भटका नहीं है ये राह से, इसको स्टार्टिंग में ही पता था मैं कंक्लूड कहाँ करने वाला हूँ. ठीक है, बॉडी बॉडी देखो आधे टाइम कोई पढ़ता भी नहीं है. योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड बी अमेजिंगली गुड, बहुत नंबर मिल जाएंगे तुमको. बीच में थोड़ा बहुत भटकाव चलते भी हैं, इट्स नॉट यू आर नॉट परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, बट इस डायरेक्शन में सोचोगे तो चीजें क्लिक करेंगी आपकी. ठीक, चलिए ब्रेक लीजिए.